देखिए, दीघी आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए क्या है, 20/9/121, 24/11/169, 32/17 क्वेश्चन मार्क। जल्दी से फटाफट इस क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे दोस्तों, बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये, तो फटाफट जवाब देंगे जल्दी से। क्या आएगा आंसर फटाफट जल्दी से, रोज क्लास में आइए और तैयारी को दोस्तों मजबूत बनाइए, कभी भी क्लास को मिस नहीं करना है, रोज क्लास में आना है और तैयारी को मजबूत बनाना है। तो क्वेश्चन क्या दिया है देखिए दोस्तों, कि दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, 20/9/121 जो पहली आकृति है ना, इसमें देखिए ऊपर क्या दिया, 20 और 9 दिया है, इनको आपस में घटा देंगे। देखिए 20 में से क्या क्या 9 घटा दिया, कितना 11 आया, और दोस्तों 11 का वर्ग कितना होता है, दोस्तों 11 का वर्ग होता है 121, तो 121 देखिए यहाँ दिया है ना, 121 11 का वर्ग है, और 11 कहाँ से आया, जो ऊपर दो संख्याएं दी हैं उनको आपस में घटा के, 20 में से 9 घटा दिया 11 आया, 11 का स्क्वेयर 11 का वर्ग होता है 121। उसी प्रकार सेकेंड आकृति में देखिएगा दोस्तों, देखिए ऊपर दिया 24 और 11, तो क्या करेंगे, 24 में से हम घटा देंगे 11, कितना आया दोस्तों 13 बचा, और 13 का वर्ग कितना होता है, 13 का वर्ग होता है 169। देखिए यहाँ 169 दिया है, जी हाँ दिया है। अब आएगा आकृति नंबर 3 में, ऊपर देखिए क्या दिया, 32 और 17 दिया है ना, 32 और 17, तो क्या करेंगे, 32 में से 17 घटा देंगे, तो 32 में से 17 घटा दिया, कितना आया दोस्तों, तो ये आया देखिए 15, कितना बचा 15 बचा, और 15 का वर्ग कितना होता है, 15 का वर्ग होता है 225, 225 होता है, तो यहां आएगा 225। 225 किस ऑप्शन में दिया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 225। 225 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। जी हां दोस्तों, अब की बार हर एग्जाम पर रोज क्लास में ये बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन को दोस्तों सोल्व करवाया जाता है, और जो क्वेश्चन मैं क्लास में करवा रहा हूँ सेम यूं के यूं क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। अगर आपके माइंड में चल रहा है जैसे लुप्त संख्या वाले क्वेश्चन होते हैं, मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन होते हैं, आपको सिर्फ एक ट्रिक पता चल जाए और सभी क्वेश्चन में वही ट्रिक लगाएं और सोल्यूशन हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, सभी क्वेश्चन में अलग अलग ट्रिक लगती हैं, तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, तो चलेगा फिर अगला क्वेश्चन देखते क्या दिया, देखिएगा जबरदस्त है, दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यह बेहतरीन है यार, जबरदस्त है, फटाफट जल्दी से लुप्त संख्या ज्ञात करने, 11 12 6 9 अंदर दिया 78, 14 10 8 7 अंदर क्या आएगा दोस्तों ये बताएगा फटाफट, जबरदस्त क्वेश्चन है यार, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, फटाफट जवाब देंगे जल्दी से, क्या आएगा आंसर जल्दी से दोस्तों बताएगा फटाफट, वेरी वेरी गुड, क्लास को लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे, शेयर नहीं किया शेयर कर देंगे जल्दी से। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया है देखिए, यहां देखिए 11 दिया है, ठीक है, यहां देखिए यहां दिया है 12 और 11 दिया है दोस्तों, 12 और 11 को क्या करेंगे आपस में गुणा करेंगे, 11 को क्या करेंगे 12 से गुणा कर दिया, ठीक है ना, और इसमें से क्या घटाएंगे 6 और 9 की गुणा करके घटाएंगे, 6 गुणा 9 ये घटा देंगे दोस्तों, तो 11 को 12 से गुणा किया कितना आया दोस्तों, 11 को 12 से गुणा किया आया 132, और 132 में से क्या घटाएंगे 6 और 9 की गुणा, 6 और 9 कितना होता है, 6 को 9 से गुणा करेंगे आएगा 54, तो 54 घटाएंगे 132 में से कितना बचेगा 78 देखिए दोस्तों यहाँ दिया है ना सर्कल में दिया है अंदर, जी हाँ दिया। उसी प्रकार दोस्तों हम सेकेंड वाइज जो आकृति है ना इसको सोल्व कर लेंगे, कैसे, जो 10 और 14 दिया है इनको आपस में गुणा करेंगे, ठीक है ना, देखिए 14 गुणा 10 और घटाएंगे क्या इसमें से 7 और जो 8 दिया है ना इसकी गुणा करके 7 गुणा 8 इनको घटा देंगे, 14 को 10 से गुणा किया कितना आया 140 आया, 140 में से दोस्तों क्या क्या घटाएंगे 7 और 8 की गुणा कितना, 7 को 8 से गुणा करेंगे कितना है 56, तो क्या घटाएंगे 56 घटाएंगे 140 में से, तो 140 में से 56 घटाएंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, ये आएगा 84, और यहाँ आंसर जो होगा हमारा वो होगा 84 किस ऑप्शन में दिया है, 84 दिया है ऑप्शन नंबर सी में, तो सी ऑप्शन दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, 84 ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलेगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या दे, देखिएगा दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, जबरदस्त क्वेश्चन है, फटाफट देंगे आंसर क्या होगा,
बताएगा दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, 0, 6, 4, 3, 1, 5 अंदर दिया 133, 8, 2, 5, 3, 4 छः अंदर दिया 196, 2, 1, 5, 7, 3, 4 अंदर क्या आएगा तीसरी आकृति में, हमें ये बताना है। तो फटाफट सोल्व कर देंगे इस क्वेश्चन को जल्दी से, वह मेरे शेर शेर नहीं हो, फटाफट सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त, बेहतरीन, बहुत बढ़िया। देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया है, दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। देखिए यहाँ 6, 4, 3, 1, 5, 0 दिया ना बाहर, बाहर की जो जितनी भी संख्या है इनको आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे दोस्तों, क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो पहली आकृति में देखिएगा बाहर क्या दिया है, 0 प्लस में दिया है 6 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 1 प्लस में 5, तो इनको जोड़ेंगे 6, 4, 10, 3, 13, 14 और 5, 19 कितना आया, 19 आया दोस्तों। तो 19 आया, 19 को क्या करेंगे, 19 को कर देंगे 7 से गुणा, 7 कॉमन रखेंगे तो 19 को 7 से गुणा किया दोस्तों, कितना आ गया 133 आ गया, अंदर दिया ना 133, जी हाँ दिया। उसी प्रकार हम सेकेंड आकृति में करेंगे, देखिए बाहर क्या है, देखिए 8 इनको आपस में जोड़ेंगे, 8 प्लस में 2 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6, तो इनको फटाफट जोड़ देंगे, 8 और 2 10 और 5 15 3 18 4 22 और 6 28, कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया 28, और 28 को क्या करेंगे 7 से गुणा कर देंगे, 28 आया तो 28 को 7 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 28 को 7 से गुणा किया आ गया 196, देखिए अंदर दिया ना 196, जी हाँ दिया है। तो आकृति नंबर 3 में देखेंगे चलेगा, देखिए दोस्तों क्या दिया है, देखिए 2, 1, 5, 7, 3, 4 को क्या करेंगे जोड़ेंगे, 2 प्लस 1 प्लस में 5 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 4 इनको जोड़ेंगे, देखिए 2, 1, 3 और 5, 8 और 7, 15 3, 18 और 4, 22 होगा, कितना होगा 22 हो गया, और 22 को करेंगे 7 से गुणा, कितना आ गया दोस्तों 154। तो 154 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, किस ऑप्शन में दिया 154, सॉरी कहाँ दिया 154, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 154, ठीक है। सभी को बाहर जितनी भी संख्याएं दी सभी को गुणा करेंगे और 7 से गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 154 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिए, जबरदस्त है। दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए, 3.5, 7, 10.5, 14 क्वेश्चन मार्क। तो फटाफट जल्दी इस सीरीज को पूरा कर देंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में सीरीज के आएंगे, सीरीज के मैक्सिमम क्वेश्चन, तो फटाफट इस सीरीज को पूरा कर देंगे, फटाफट कंप्लीट करेंगे इस सीरीज को, क्या आएगा आंसर आपके एग्जाम से पहले। हर तरह के क्वेश्चन दोस्तों आपको करवा दूंगा, हर तरह के क्वेश्चन, चिंता मत कीजिए, बस आप डेली क्लास में आइए। तो देखिए क्या क्या है दोस्तों यहाँ पर, देखिए आपको बता दूं मैं, डिफरेंस निकालेंगे 3.5 और 7 में कितने का डिफरेंस है, 3.5 में 3.5 जोड़ दिया 7 आ गया, 7 में क्या जोड़ा 3.5 जोड़ा, कितना आ गया 10.5 आ गया। यहाँ देखिए क्या जोड़ा है 10.5 में, 10.5 में 3.5 जोड़ दिया दोस्तों, आ गया 14। उसी प्रकार 14 में क्या जोड़ेंगे 3.5 का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पर भी क्या जोड़ेंगे 3.5 जोड़ देंगे 14 में, तो आएगा 17.5 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया। चलेगा फिर अगला क्वेश्चन देखते क्या, देखिए दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए फटाफट, क्या आएगा आंसर, 2 के बाद 5 है, फिर 10, 17, 26 क्वेश्चन मार्क। तो फटाफट इस श्रृंखला को पूरा कर देंगे मेरे दोस्तों, जल्दी से बताएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, धमाकेदार क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ठीक है। तो जल्दी से दीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, वेरी गुड दोस्तों, बहुत बढ़िया, जल्दी से बताएंगे आंसर क्या हो जाएगा, बहुत बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड, जल्दी से आंसर देना है, क्या आएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर, फटाफट देंगे आंसर। दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए, तो मेरे शेर शेरनियों याद रखना, 2 के बाद 2 में जोड़ा 3 आ गया 5, 5 में जोड़ा 5 आ गया 10, 10 में जोड़ा 7 आ गया 17, 17 में जोड़ा 9 आ गया 26। देखिए पहले जोड़ा 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9, 2 का डिफरेंस है तो अब आएगा 11,
26 में जोड़ेंगे 11 कितना आ जाएगा 37 आएगा। तो 37 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 37 किस ऑप्शन में दिया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 37। तो 37 इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा राइट आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब की बार हर एग्जाम पर चलेगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है देखिए दोस्तों, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये। जितना ज्यादा आप रीजनिंग में दोस्तों प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। रीजनिंग क्या मांगती है, क्या मांगती है, प्रैक्टिस मांगती है। तो रीजनिंग में जितना हो सके उतना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, रीजनिंग उतनी ही मजबूत बनेगी। मजबूत सबकी होती है लेकिन एग्जाम में क्या होता है दोस्तों, टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है आपका रीजनिंग को सोल्व करते करते, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते। जो क्वेश्चन 2 सेकंड में सोल्व होना चाहिए उसमें आप 5 मिनट लगा देते हैं, 2 मिनट लगा देते हैं, 5 मिनट लगा देते हैं। तो इस कारण से टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है और पूरा पेपर हमारा खराब हो जाता है। अगर हम रीजनिंग में टाइम रहते एग्जाम से पहले ही अगर हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो रीजनिंग हमारा टाइम बचाएगी। ऐसे क्वेश्चन है जो आप एग्जाम में 2 मिनट में 3 मिनट में सोल्व करते हैं, अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो वही क्वेश्चन 2 सेकंड 4 सेकंड में आप सोल्व कर देंगे, ठीक है ना। तो मेरे दोस्तों क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते देखते ही आप आंसर लगा देंगे, और जो क्लास में क्वेश्चन करवा रहा हूँ सेम यू के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ये भी गारंटी है। तो आप डेली क्लास में आइए, तैयारी को मजबूत बनाइए। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, 36, 40, 36, 34, 30, 28, 24 क्वेश्चन मार्क की सीरीज घटते क्रम में सीरीज है। तो देखिए 36 में से यहां पर क्या घटा दिया, 2 घटा दिया, 34 आ गया, 34 में से क्या किया, 4 घटाया 30 आया, 30 में से 2 घटाया 28 आया, 28 में से यहाँ 4 घटा दिया आ गया 24, एक बार 2 फिर 4 2 4 तो अब क्या घटेगा, 2 घटेगा, तो 24 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 22 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 22। 22 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 22। 22 इस क्वेश्चन का दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। यदि 1 × 2 × 4 = 212 है, 5 × 6 × 8 = 654 हो, तो 3 × 7 × 2 का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन जल्दी से बताएगा फटाफट क्या होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये, लाजवाब क्वेश्चन है। तो बताएगा दोस्तों क्या आएगा आंसर, 1 × 2 × 4 = 212 है, वही दोस्तों 5 × 6 × 8 = 654 हो, तो 3 × 7 × 2 का मान क्या आएगा। तो ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, लाजवाब है। यहाँ पर क्या क्या देखिए आपको दोस्तों बता देता हूँ। देखिए 1 × 2 × 4 ठीक है, इसको क्या लिखा है पता है, देखिए क्या लिखा है, देखिए 1 को क्या किया दोस्तों, एक देखिएगा दोस्तों स्थान चेंज किया। पहले तो आपको मैं ये बता देता हूँ, सबसे पहले लिखा है 2 को, ठीक है, इस 1 को लिखा, फिर बाद में 1 लिखा, 4 को क्या कर दिया, 2 से भाग कर दिया, 4 को 2 से भाग कर दिया, 2 आ गया, 212 लिखा है ऐसे। तो इसी प्रकार इस क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे, देखिएगा आगे वाला समीकरण है 5 × 6 × 8 बराबर में क्या लिखा है, 654 लिखा है। तो कैसे लिखा दोस्तों, जो 2 नंबर पर देखिए यहाँ 6 दिया है, पहले नंबर पे आ गया, 5 दूसरे नंबर पे चला गया, 8 को क्या कर दिया, 2 से भाग कर दिया, 4 आ गया, 654 आ गया। उसी प्रकार हम जो हमारा अनुत्तरित समीकरण है उसको सोल्व कर लेंगे। देखिए 3 × 7 × 2 इसका मान हमें निकालना है। देखिए दोस्तों सबसे पहले लिख दिया हमने 7, फिर लिखा हमने 3, और इस 2 को करेंगे 2 से भाग, 2 से भाग करेंगे दोस्तों, इस 2 को 2 से भाग करेंगे तो आएगा 1। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 731। किस ऑप्शन में दिया है 731, 731 दिया है ऑप्शन नंबर सी में। तो सी ऑप्शन दोस्तों इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी 731, ठीक है 731 सी ऑप्शन 731 इस क्वेश्चन का होगा राइट आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलेगा फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया है देखिए। यदि 7 × 2 = 59, 5 × 3 = 28, 9 × 1 = 810, 2 × 1 = 13 है, तो 5 × 4 का मान क्या होगा, जल्दी से बताएगा दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, फटाफट जवाब देंगे जल्दी से। वेरी गुड दोस्तों,
एक बार सोल्व करेंगे फटाफट, फिर आपको मैं सिखाता हूँ ये क्वेश्चन कैसे आपको सोल्व करना है। क्लास को लाइक नहीं क्या लाइक कर देंगे, शेयर नहीं क्या शेयर कर देंगे, पहली बार क्लास में आई है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन को ऑन करना ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। रोज क्लास में आइए, तैयारी को दोस्तों मजबूत बनाइए, ठीक है। रोज क्लास में आएंगे तैयारी आपकी बहुत ज़्यादा मजबूत बनेगी, बहुत ज़्यादा। तो बस आप रेगुलर क्लास में आइए, रोज आइए और तैयारी को दोस्तों मजबूत बनाइए, ठीक है। बहुत अच्छी तैयारी है आपकी। जब इस क्वेश्चन में क्या क्या देखिए सोल्व करते चलेगा, देखिए 7-2 का मान दिया 59, सबसे पहले हम देखेंगे ये कैसे दिया है, 7 कोम, ये क्या है कोमा है, उसके बाद 2 है, तो इसको हम बनाएंगे 59। कैसे बनाएंगे देखिएगा ध्यान से, 7 में से घटा देंगे दोस्तों 2 और एक बार 7 में जोड़ देंगे 2, ठीक है। ये कितना हो गया 5 हो गया, ये कितना हो गया 9 हो गया, देखिए कितना हो गया, दोनों को जोड़ेंगे जब मिलाएंगे जब आपस में, कितना हो गया 5 और 9 हो गया 59 हो गया, जी हाँ हो गया। उसी प्रकार आगे वाला समीकरण देखिएगा, 5 और 3 दिया है ना, इसको क्या बनाएंगे 28, तो 5 में से एक बार 3 घटा देंगे और 5 में एक बार क्या करेंगे दोस्तों 3 जोड़ देंगे, तो 5 में से 3 घटाया हो गया 2 और 5 में 3 जोड़ा हो गया 8, 28 हो गया, ये 28 दिया इस प्रकार, ठीक है। अब देखिए आगे वाला दोस्तों कि 9-1 को 810 कैसे लिखा, देखिएगा दोस्तों 9-1 इसको 810 कैसे लिखा, एक बार 9 में से 1 घटा दिया और एक बार 9 में 1 जोड़ दिया, ठीक है। 9 और 1 9 में से 1 जाएगा, कितना बचा 8, और 9 और 1 हो गया 10, 810 हो गया, 810 इस प्रकार लिखा है। अब देखिएगा दोस्तों आगे वाला, देखिए 2-1 = 13 कैसे है, 2 में 1, देखिए दोस्तों क्या करेंगे 2 में जो है ना 1 एक बार घटा देंगे 2 में से और 1 एक बार जोड़ देंगे, तो देखिए ये हो गया 1 और ये हो गया 3, 13 हो गया, 13 हो गया 13 यहाँ पर लिखा गया। अब जो हमारा अनुत्तर समीकरण है उसको देखेंगे, देखिए 5 और 4 एक बार क्या करेंगे 5 में से 4 घटा देंगे, एक बार क्या करेंगे दोस्तों एक बार 5 में हम 4 जोड़ देंगे, देखिएगा दोस्तों 1 ये हो गया और 9 ये हो गया। 19 इस क्वेश्चन का मान है, 19 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए 19 इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया दोस्तों, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जबरदस्त तैयारी है आपकी, लाजवाब तैयारी है, बहुत बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड। चलेगा फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, देखिएगा यदि सितंबर का मान है 54, जनवरी का मान है 42 और दिसंबर का मान दोस्तों 48 है, तो अगस्त का मान क्या होगा, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी, बताएगा फटाफट। यदि सितंबर का मान है 54, जनवरी का मान है 42 और दिसंबर का मान 48 है, तो अगस्त का मान क्या होगा, जल्दी से आंसर देंगे सभी, बताएगा दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, जबरदस्त क्वेश्चन है, बताएगा देखिए, देखिए दोस्तों आपको बता दूं मैं, हम देखेंगे सबसे पहले कि सितंबर को 54 कैसे लिखा, देखिए सितंबर में हम काउंट करेंगे कितने अक्षर हैं, कैसे देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 को क्या लिखा है इन्होंने, 9 को लिखा है 254, कैसे लिखा 9 को क्या कर दिया 6 से गुणा किया 54 आ गया। आगे देखिए जनवरी में देखिएगा क्या, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितने अक्षर हैं, 7 अक्षर हैं, तो 7 को क्या लिख दिया इन्होंने 42 लिख दिया, 7 को क्या किया 6 से गुणा किया 42 हो गया। अब देखिए दिसंबर में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 को क्या लिखा इन्होंने, 8 को लिख दिया इन्होंने दोस्तों 48, 8 को क्या लिखा है, 8 को लिखा है 48, तो 8 को 6 से गुणा किया 48 आ गया। अब देखेंगे अगस्त, या थोड़ी मिस्टेक है टाइपिंग में, तो हम अगस्त को पूरा लिखेंगे, देखिए ए यू जी यू एस टी, ये हमने लिख दिया अगस्त, अगस्त में कितने अक्षर काउंट करेंगे, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 अक्षर हैं, तो 6 को क्या करेंगे 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा 36, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है 36 हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया है दोस्तों 36, 36 दिया है ऑप्शन नंबर डी में, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया वेरी वेरी नाइस। चलेगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते क्या दिया है, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलेगा आगे देखिए, एम एन का भाई है और बी एन का भाई है, इसी प्रकार एम डी का भाई है किंतु एन डी का भाई नहीं है, एन का डी से संबंध बताइए फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से बताएंगे फटाफट, वेरी गुड बहुत बढ़िया, जल्दी से सोल्व कर देंगे इस क्वेश्चन को दोस्तों, क्या आएगा आंसर देखिएगा, ये बोल रहा है
कि जो m है ना m, ये तो हो गया हमारा m, m है n का भाई, n का भाई है m, m है n का भाई, ठीक है भाई याद रखिएगा, m n का भाई है और b n का भाई है, जो b है ना b, ये b है n का भाई, b n का भाई है, m n का भाई और b n का भाई, m n का भाई है और b n का भाई है, ठीक है नहीं, m और b दोनों भाई हो गए, सीधी सी बात तो यहां हो गई, लेकिन n का अब तक ये नहीं पता चला है कि ये लेडीज है जेंट्स है ना, इनकी इनकी भाई, इनका भाई है इनकी बहन है, चलेगा आप इसका पता लगाएंगे। फिर बोल रहा है देखिएगा, इसी प्रकार एम डी का भाई है, एम जो है ना ये किसका भाई है, ये डी का भाई है, ये हो गया डी, और दोस्तों डी किसका भाई है, एम का भाई है, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, एम डी का भाई है, एम है डी का भाई, ठीक है एम डी का भाई, किंतु एन डी का भाई नहीं है, एन जो है ना ये डी का भाई नहीं है, एन डी का भाई नहीं है, जब एम और डी भाई हो गए, बी भाई हो गया, तो एन डी का भाई नहीं, तो क्या हुआ, बहन हुई, क्या हुई, बहन हुई, तो मेरे साथ इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, बहन, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, बहन इस क्वेश्चन का होगा राइट आंसर, जब इसने बोल दिया है कि एम जो है वो एन का भाई है, ठीक है ना, और बी एन का भाई है, इसी प्रकार जो एम है ना वो डी का भी भाई है, किंतु जो एन है ना वो डी का भाई नहीं है, डी का भाई नहीं है, तो क्या है फिर, डी की बहन है, डी की बहन है, तो याद रखना एन का डी से संबंध क्या है, एन है डी की बहन, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, वेन डायग्राम बनाएंगे मिनट दिन महीने, जल्दी से इस क्वेश्चन का बना देंगे फटाफट वेन डायग्राम, फटाफट दो क्वेश्चन कम से कम आपके एग्जाम में आएंगे इस प्रकार के, तो फटाफट सोल्व कर देंगे, क्या होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा जल्दी से। देखिए क्या क्या है, ये तो हो गया मिनट, मिनट से क्या बनता है, घंटा बनता है, घंटे से दिन बनता है, दिन दिन मिलकर क्या बनाते हैं, महीना बनाते हैं, तो ये हो गया हमारे डायग्राम किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये तो क्या है, मिनट है, ठीक है, ये क्या है, ये दोस्तों याद रखना दिन है, मिनट मिलकर दिन बनाते हैं, ठीक है, और दिन मिलकर क्या बनाते हैं, महीना बनाते हैं, क्या बनाते हैं, महीना बनाते हैं, ये आप अच्छे से दोस्तों याद रख लेंगे, ठीक है ना, जी हाँ, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो क्वेश्चन यहाँ क्लास में करवा रहा हूँ सेम यूं के यूं क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है साथियों, याद रखना एक क्वेश्चन भी मिस नहीं करना है क्लास में, रोज क्लास में आइए, आप तैयारी को मजबूत बनाइए। अगला क्वेश्चन क्या दिया देखिएगा, महिलाएं माताएं अविवाहिताएं, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, महिलाएं माताएं अविवाहिताएं, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी, क्या होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर, जो आप दीजिएगा फटाफट क्या हो जाएगा, वेरी वेरी गुड दोस्तों, जी हाँ मेरे साथ ही, देखिए याद रखना आप सभी साथी ना, याद रखना सभी मेरे लाडलो मेरे शेर न्यू, जो रीजनिंग के रिवीजन क्लास है शाम को 4:30 बजे रहती है, ठीक है, और बच्चे बोल रहे थे इस क्लास का टाइम थोड़ा सा चेंज कीजिए, तो कोशिश करेंगे चिंता मत कीजिए, लेकिन शाम को 7 बजे रीजनिंग का फिक्स टाइम है, शाम को 7 बजे रीजनिंग का फिक्स टाइम, वो चेंज नहीं होने वाला है, और रात को 9 बजे जीके का डोज, रात को 9 बजे जीके का डोज, रोज क्लास में ये तैयारी को मजबूत बनाइए, कभी भी क्लास को मिस नहीं करना, सुबह 6 बजे हमारी पहली क्लास रहती है, फिक्स क्लास है ये हमेशा से चलती आ रही है और आगे भी चलेंगी, पहली बार आए क्लास में चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन को ऑन करना, ताकि दोस्तों हर क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे, रोज क्लास में आना है, तैयारी को दोस्तों मजबूत बनाना है, ठीक है, चलिएगा अब इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं, महिलाएं माताएं अविवाहिताएं, तो इस क्वेश्चन देखिए आपको बता दूं मैं, ये तो दोस्तों देखिए माताएं हैं, ठीक है, और ये हैं अविवाहिताएं, और दोनों ही क्या है, ये दोनों ही दोस्तों महिलाएं हैं, दोनों ही क्या हैं, महिलाएं हैं, अविवाहिताएं भी और माताएं भी, जो अविवाहित होती हैं वो माता नहीं बनती हैं, और जो माताएं वो अविवाहिता नहीं होती हैं, तो मेरे दोस्तों याद रखना ये डायग्राम किस ऑप्शन में दिया है, और माताएं अविवाहिताएं दोनों ही महिला हैं, तो ये डायग्राम दिया है ऑप्शन नंबर डी में, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, चलेगा फिर
अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए, 4, 5, 20, 100 क्वेश्चन मार्क का, जल्दी से श्रृंखला को पूरा कर देंगे से फटाफट। क्या है आंसर? बहुत बढ़िया दोस्तों, वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी से बताना है आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट जल्दी से स्पीड से क्लास करवा रहा हूँ, अभी स्पीड और बढ़ाने वाला हूँ। और इस क्लास में ना दोस्तों टॉप लेवल के क्वेश्चन रखें, अभी आगे आगे बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, तो क्लास को कंप्लीट लेना है, छोड़कर नहीं भागना है। जो बच्चा इस क्लास को छोड़कर भागेगा, समझ लीजिए कोई भी आपका एग्जाम है वो आपको छोड़ रहा है, यानी आपका सिलेक्शन नहीं होगा उसमें, ठीक है। क्लास को कंप्लीट लेना सीख लीजिए, कामयाब अपने आप हो जाएंगे, जॉब अपने आप मिल जाएगी दोस्तों, यही कामयाबी का मूल मंत्र ही है दोस्तों। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, मेहनत करनी पड़ेगी, और आप क्या है, मेहनत करने से बचते हैं, भागते हैं। अगर मेहनत नहीं करेंगे दोस्तों सफल कैसे होंगे। क्लास को कंप्लीट लेना सीख लीजिए, इस क्लास को कंप्लीट लिया करें, जो भी क्लास लिख रहा तो कंप्लीट लिया करें। एक वीक में आप बोलेंगे सर हमारी तैयारी बहुत मजबूत होगी, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया है, ये गारंटी से कहता हूँ मैं, वादा इस चीज़ का गारंटी से कहता हूँ 100%। जो क्लास में क्वेश्चन करवा रहा हूँ सेम क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, आप पढ़ के तो जाइए एग्जाम में, आप पढ़े तो सही, आप कहीं कहीं घूमते रहते, दो क्वेश्चन कहीं पढ़ लिए, एक कहीं पर पढ़ लिया, एक क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, आपको आसान लगा, सोल्व कर दिया, आप बन गए दोस्तों विद्वान, आप में घमंड आ गया, रीजनिंग हमारी बहुत ज्यादा मजबूत, हमें तो पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। अरे क्लास को कंप्लीट तो लीजिए, क्योंकि एक क्लास के अंदर सभी क्वेश्चन हार्ड भी नहीं होते हैं, एक कोई टॉपिक होता है सभी क्वेश्चन हार्ड भी नहीं होते हैं, हर तरह के क्वेश्चन होते हैं, आसान भी, हार्ड भी, मॉडरेट भी, तो हर तरह के क्वेश्चन इस क्लास में रखे गए हैं। क्लास को कंप्लीट लीजिए, तब जाकर मानना आपकी आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन पढ़ने से आप विद्वान नहीं बनेंगे, ना ही कोई बना आज तक, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर दोस्तों सफल हुआ जाता है। सफल अगर होना है तो कड़ी मेहनत कीजिए, ठीक है, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। सपने दोस्तों याद रखना वो नहीं होते जो रात में सोते वक्त लिए जाते हैं, सपने वो होते हैं जो दोस्तों रातों को सोने भी ना दें, सपने वो नहीं होते हैं जो दोस्तों रात में नींद में लिए जाते, सपने तो वो होते हैं जो सोने ही ना दें। अगर आपने आपका सपना है कामयाब होने का दोस्तों, पढ़े बगैर आपको नींद आएगी ही नहीं, गारंटी से कहता हूं। अगर आप दोस्तों बिना पढ़े सोते हैं तो आपका कोई सपना ही नहीं है, बिल्कुल जीरो है। तो दोस्तों पढ़िए, कामयाब हो जाइए, रोज क्लास में आइए आप, ठीक है। चलेगा, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, अगला पद ज्ञात करना है, कैसे करेंगे चलेगा, सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए 4 और 5 दिया है, 4 और 5 को आपस में गुणा कर देंगे, कितना आ गया, 20 आ गया। अब और दोस्तों क्या करना है, 5 और 20 को गुणा कर देंगे, 5 को और 20 को गुणा करेंगे, कितना आ गया, 100 आ गया। 100 देखिए यहाँ दिया है, अब क्या करेंगे, 20 और 100 को गुणा करेंगे, 20 को क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे, कितना आ गया, 2000 आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2000। 2000 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो सी ऑप्शन दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, अब की बार हर एग्जाम पर। बहुत बहुत बढ़िया मेरे दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त आपकी तैयारी है, लाजवाब तैयारी है। चलेगा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। देखिए दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए, दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए, 5, 5 के बाद 10, फिर 17 क्वेश्चन मार्क, 57, 50। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे फटाफट, क्या आएगा दोस्तों आंसर बताएगा जल्दी से, बहुत बढ़िया वेरी गुड, दीजिएगा जल्दी से आंसर। देखिए क्या दिया है आपको दोस्तों, मैं बता देता हूं, 5 के बाद दिया 10 फिर 17, क्या करेंगे देखिए दोस्तों, क्या किया यहां पर, देखिए 5 में क्या किया 5 में जोड़ दिया 5, कितना आ गया, 10 आ गया, आ गया दोस्तों। अब जोड़ेंगे 10 और 17 को, 10 प्लस में 17 पहले 5 जोड़ा है ना, तो अब 10 में क्या जोड़ेंगे दोस्तों, देखिए पहले 5 में 5 जोड़ दिया, 10 हो गया, अब 10 में जोड़ेंगे 7, कितना आ गया दोस्तों, डिफरेंस निकाल रहा हूं मैं, 10 में जोड़ दिया 7, आ गया 17, ठीक है ना, पहले जोड़ा 5 फिर 7, ठीक है। देखिए यहां कितने का डिफरेंस आ रहा है, 13 का डिफरेंस आ रहा है ना, तो अब देखिए दोस्तों 17 में क्या करेंगे, 17 में जोड़ देंगे 9, 17 में 9 जोड़ेंगे आएगा 26, और 26 में जोड़ेंगे दोस्तों क्या, 26 में जोड़ेंगे 11, और 11 जोड़ेंगे तो आएगा कितना,
37 आएगा दोस्तों, और 37 में जोड़ेंगे हम 13 तो आएगा 50। देखिए पूरी श्रृंखला बन गई ना, इसमें दोस्तों विषम संख्या को जोड़ा जा रहा है, जो जितनी इस श्रृंखला में जितनी भी संख्याएं उनमें से उनमें दोस्तों विषम संख्या को जोड़ा जा रहा है सीरीज के हिसाब से, तो हमारा जो लुप्त पद है वो आ गया 26। 26 इस क्वेश्चन का दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें क्या किया है दोस्तों, डिफरेंस निकाला है, और डिफरेंस किस प्रकार से निकला है, जो विषम संख्या है ना, विषम संख्या के अकॉर्डिंग 5, 7, 5, 7, 9, 11, 13 आगे बढ़ेंगे 15, 17, 19, 21 इस प्रकार डिफरेंस निकला है दोस्तों। ये हमारा आंसर क्या आ गया, आ गया आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का होगा राइट आंसर। ऐसे सोल्व कर सकते हैं, यहां डिफरेंस दोस्तों 5 का है, यहां डिफरेंस 7 का है, बढ़ते क्रम में यहां डिफरेंस 13 का है, तो 17 में क्या जोड़ेंगे, 9 जोड़ेंगे, 5 के बाद 7 फिर 9 तो आ गया 26, और 26 में जोड़ेंगे 11 तो आ गया 37। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलेगा दोस्तों, धमाकेदार क्वेश्चन आ गया यार। देगी श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए, आई एल ओ आर, फटाफट श्रृंखला को पूरा करेंगे यार। 2, 4, 10, 8, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 2 का घन, 3 का घन, ऐसे बहुत कर लिया है, लेकिन अल्फाबेट वाला क्वेश्चन आ गया। अल्फाबेट अगर आप दोस्त देखिए, जो अंग्रेजी के जो वर्णमाला है रीजनिंग में, अगर आप उसको याद कर लेंगे ना, ए का कोड 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, अगर ये आप याद कर लेंगे दोस्तों, तो ये सभी क्वेश्चन चुटकियों में सोल्व कर देंगे, कुछ भी फर्क नहीं इन सभी क्वेश्चन में, बहुत ज्यादा आसान है। बस दोस्तों आपको क्या करना है, जो वर्णमाला है उसको याद करना है। तो यहां पर कैसे सोल्व करेंगे देखिए दोस्तों, जो आई दिया है ना, आई में क्या जोड़ा, आई में दोस्त आई के बाद तीसरा अक्षर दोस्तों एल होता है, एल के बाद दोस्तों एल के बाद तीसरा अक्षर होता है ओ, और ओ के बाद तीसरा अक्षर होता है दोस्तों आर, और आर के बाद तीसरा अक्षर होता है यू। तीन तीन का डिफरेंस है दोस्तों इसके अंदर, कितने का डिफरेंस, तीन तीन का डिफरेंस, मतलब तीसरा अक्षर आ रहा है, ठीक है ना। आई के बाद देखिएगा दोस्तों क्या डिफरेंस आया, आई के बाद देखिए जे और के, उसके बाद आ गया एल, एल के बाद देखिएगा एम और एन, फिर आ गया ओ, ओ के बाद देखिएगा पी और क्यू, फिर आ गया आर, आर के बाद देखिए एस और टी, फिर आ गया यू, यानी तीसरा अक्षर, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया दोस्तों यू। यू किस ऑप्शन में दिया है, यू दिया है ऑप्शन नंबर सी में, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, बहुत बहुत बढ़िया दोस्तों, वेरी वेरी गुड। चलेगा फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, दीर्घी श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए, बी डी एच एन क्वेश्चन मार्क, फटाफट इस सीरीज को पूरा कर देंगे जल्दी से। क्या आएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा जल्दी से, पहली बार क्लास में आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में दोस्तों बेल आइकन को ऑन करना ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। रोज क्लास में आइए, तैयारी को मजबूत बनाइए, ठीक है ना। रोजाना क्लास में आइए और तैयारी को दोस्तों मजबूत बनाइए। रोज क्लास में आएंगे, तैयारी आपकी बहुत ज्यादा मजबूत बनेगी, ठीक है जी। हाँ मेरे लाडलो, मेरे शेरनियों, जल्दी से आंसर देंगे इस क्वेश्चन का। चलेगा सोल्व कर लेते हैं दोस्तों, देखिएगा बी का स्थान कौन सा है दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला में दूसरा स्थान है, डी का स्थान 4 है, और H का स्थान दोस्तों 8 है, और N का स्थान क्या है, N का स्थान दोस्तों 14 है। अब इनमें डिफरेंस देखिएगा दोस्तों, अब इनमें डिफरेंस निकाल लेंगे, अब इनमें डिफरेंस निकालेंगे, बहुत आसान लगेगा आपको। देखिएगा अगर अंग्रेजी वर्णमाला में अगर आपको कोड याद हो गए ना, तो ऐसे सोल्व कर लेंगे आप, बहुत आसान क्वेश्चन है। यहां दोस्त देखिएगा 2 में 2 जोड़ा, 4 में 4 जोड़ा, 8 में 6 जोड़ा, आगे क्या जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे, तो 14 में क्या जोड़ेंगे दोस्तों, 14 में 8 जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे 14 में, तो कितना आएगा, 22 आएगा। और अंग्रेजी वर्णमाला में दोस्तों 22वां अक्षर क्या होता है, अंग्रेजी वर्णमाला में 22वां अक्षर होता है वी, तो वी इस क्वेश्चन का होगा राइट आंसर। क्या होगा दोस्तों, वी इस क्वेश्चन का होगा राइट आंसर। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है वी, वी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलेगा फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या दिया गया है, जबरदस्त क्वेश्चन के साथ दोस्तों हमारी ये क्लास है। चलेगा अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेहतरीन जबरदस्त। चलेगा नेक्स्ट, दीर्घी श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए, 196 का संबंध जिस प्रकार 1372 से है ना, उसी प्रकार 256 का संबंध किससे होगा, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से बताना है दोस्तों, क्या आएगा बताएगा जल्दी से।
क्लास को लाइक नहीं किया दोस्तों, क्लास को लाइक कर देंगे सभी। जिन्होंने अभी तक दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया है, सभी मेरे शेर ने फटाफट क्लास को लाइक कर देंगे फटाफट। देखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 196 क्या है दोस्तों? 14 का वर्ग है। क्या है? 14 का वर्ग है। 14 गुना 14 कितना होता है? 196 होता है। 1372 क्या है? ये 14 का घन है। 14 का घन भाग में 2 है। 14 का घन भाग में 2 कैसे? देखिएगा दोस्तों, 14 गुना 14 भाग में 2। तो 14 मेरे प्यारे साथियों, आपको मैं बता देता हूं 14 का घन कितना होता है। 14 का घन होता है 2744। इसको 2 से भाग करेंगे, आएगा हमारा दोस्तों कितना? ये आ जाएगा 1372। तो 1372 देखिए यहां दिया है ना, 1372 आएगा यहां दिया है। जी हाँ दिया है। उसी प्रकार हम 256 का निकालेंगे। 256 किसका वर्ग है दोस्तों? 256 किसका वर्ग होता है? 256 मेरे प्यारे शेर ने 16 का वर्ग होता है। 16 गुना 16 कितना होता है? 256 होता है। अब देखिएगा दोस्तों, यहां क्या करेंगे? यहां आएगा 16 का घन। क्या जाएगा? 16 का घन आ जाएगा। 16 गुना 16 गुना 16 भाग में 2। तो 16 का घन कितना होता है दोस्तों? एक बार मुझे बताएगा फटाफट, 16 का घन कितना होता है? सभी साथी देंगे आंसर। 16 का घन होता है 4096। 4096 होता है। 4096 को क्या करेंगे? 2 से हम कर देंगे डिवाइड। क्या कर देंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे। कितना आ जाएगा? 2048 आ जाएगा। 2048 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 2048। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। क्या है दोस्तों? 196 का संबंध 1372 से कैसे है? 196 दोस्तों क्या है? 14 का वर्ग है और 1372 14 का घन भाग में 2 है। 256 क्या है दोस्तों? 16 का वर्ग है। इसका संबंध किससे है? उसी प्रकार 16 का घन भाग में 2। तो 2048 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ए ऑप्शन दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत बढ़िया दोस्तों, वेरी वेरी गुड, जबरदस्त, वाह क्या बात है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा? जिस प्रकार 60 का संबंध 24 से है, उसी प्रकार 480 का संबंध किससे होगा? जल्दी से दोस्तों बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। जवाब देंगे फटाफट जल्दी से। वेरी गुड दोस्तों, फटाफट जवाब देंगे जल्दी से। क्या आएगा आंसर फटाफट जल्दी से? सबसे पहले हम देखेंगे कि 60 का संबंध 24 से कैसे है, है ना? तो देखिए दोस्तों, 60 को क्या करेंगे? 24 से डिवाइड कर देंगे। ये किसी का वर्ग घन तो ऐसे तो हो नहीं रहा है। तो 60 को करेंगे 24 से डिवाइड। 60 को 24 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2.5, ठीक है। अब इसी प्रकार हम 480 का निकालेंगे। 480 को किससे डिवाइड करेंगे? 2.5 आए, तो हम इसको सबसे पहले 2.5 से ही डिवाइड कर देंगे। तो कितना आ गया दोस्तों? 2.5 से डिवाइड किया तो आ गया 192। तो इसका संबंध 192 से है दोस्तों। 480 का संबंध है 192 से। जिस प्रकार 60 का संबंध 24 से है, उसी प्रकार 480 का संबंध है 192 से, ठीक है। तो 192 ऑप्शन नंबर ए में दिया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया जी, वेरी वेरी नाइस। अगला क्वेश्चन क्या दिया है देखिएगा, ये और भी जबरदस्त क्वेश्चन आ गया है। बीयूटी देखिए, बट का संबंध जिस प्रकार टब से है, तो नेट का संबंध किससे होगा? दोस्तों आपको मैं क्या करूं यहां, है ना, आपको मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। उल्टा पुल्टा करके लिख दिया इनको और कुछ नहीं किया है। उल्टा पुल्टा करके कर दिया। कैसे? जो बट दिया है ना, इसको देखिए क्या किया, टी पहले आ गया, यू बीच में और बी क्या है लास्ट में चला गया। दोस्तों पहला और तीसरा जो अक्षर है ना, उनका स्थान आपस में चेंज कर दिया। देखिएगा दोस्तों, जो टी है यहां देखिए पहले आ गया, ए का स्थान यू का यू है, पहले और तीसरे अक्षर का स्थान चेंज करना है आपस में, एन चला गया लास्ट में, तो क्या आ गया? 10 इस क्वेश्चन का आंसर है। किस ऑप्शन में दिया है? 10 ऑप्शन सी में दिया है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, जबरदस्त, लाजवाब। चलेगा अगला क्वेश्चन देखते क्या दिया देखिएगा। तैरना नदी, तैरना नदी चढ़ना, बताइएगा। जिस प्रकार तैरना का संबंध नदी से है, तो चढ़ना का संबंध किससे होगा? बताइएगा फटाफट जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर निकाल देंगे फटाफट दोस्तों। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
बताएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। जिस प्रकार तैरना का संबंध नदी से है तो चढ़ना का संबंध किससे होगा। देखिए चलिए आपको बता देता हूं, नदी में दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नदी में आगे बढ़ने के लिए तैरना जरूरी है, तो उसी प्रकार दोस्तों आपको बता दूं चढ़ना कहाँ, चढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे तो चढ़ना कहाँ होता है दोस्तों। देखिए समुद्र में तैरेंगे, सड़क पर पैदल चलेंगे, तालाब में तैरेंगे आगे बढ़ने के लिए, लेकिन दोस्तों पर्वत में क्या है, पर्वत पर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमें चढ़ना पड़ेगा, पर्वत पर आगे बढ़ेंगे तो हमें चढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जिस प्रकार नदी में आगे बढ़ने के लिए तैरना जरूरी है, उसी प्रकार पर्वत पर आगे बढ़ने के लिए चढ़ना जरूरी है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया देखिएगा, जिस प्रकार चमकार जो है वो चमड़े का काम करता है ना, उसी प्रकार दोस्तों बढ़ई किसका कार्य करता है। बताएगा फटाफट क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। पहली बार क्लास में आए हैं सभी मेरे शेयर ने जल्दी से फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन को ऑन करना ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे जल्दी से फटाफट। बहुत बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त आपकी तैयारी है, लाजवाब आपकी तैयारी है। क्या किया है देखिएगा, जिस प्रकार चर्मकार दोस्तों चमड़े का कार्य करता है ना, बढ़ई लकड़ी का कार्य करता है, किसका कार्य करता है, लकड़ी का कार्य करता है, ठीक है ना दोस्तों। जिस प्रकार चर्मकार चमड़े का कार्य करता है, उस प्रकार बढ़ई लकड़ी का कार्य करता है, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है देखिएगा, पैर का संबंध किससे होगा, जिस प्रकार हाथ का संबंध कलाई से है। बताएगा फटाफट क्या होगा आंसर। बताएगा जिस प्रकार हाथ का संबंध कलाई से, तो पैर का संबंध किससे होगा। बताएगा जल्दी से आंसर देना है फटाफट। वाह मेरे लाडलो, देखिए जिस प्रकार है ना हाथ का संबंध कलाई से है ना, कलाई होती है हाथ में ना, हाथ में कलाई होती है ना दोस्तों, हथेली के पास में कलाई होती है, उसी प्रकार दोस्तों पैर के नीचे क्या होती है, पैर का संबंध किससे होगा, लंबाई से, जूते से, टखना से, या फिर टांग से, किससे होगा, टखना से होगा, टखना से, किससे होगा। जिस प्रकार हाथ का संबंध कलाई से है, तो मेरे दोस्तों याद रखेंगे सभी, पैर का संबंध होगा टखना से, और टखना दिया है ऑप्शन सी में, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का होगा राइट आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड, जबरदस्त तैयारी है, लाजवाब आपकी तैयारी है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलेगा अगला क्वेश्चन देखते क्या दिया है। विषम पद ज्ञात कीजिए, 64 का संबंध 64 109, 36 83 42, 87 102 147, इनका आपस में इनमें दोनों देख जो संख्याओं का जो युग्म दिया है ना दोस्तों, जैसे ऑप्शन नंबर ए में 64 109 है, बी में 36 83 है, सी में 42 87 है, डी में 102 147 है, जो ये युग्म दिए हैं, जोड़े जो दिए हैं ना संख्याओं के, इनमें आपस में संबंध देखना है किस प्रकार है। तीन होंगे सेम, एक होगा इनमें से अलग, वो अलग निकालना है, तो फटाफट बताएगा जल्दी से। देखिए दोस्तों आपको बताऊं मैं कैसे करेंगे, ऑप्शन नंबर ए में दिया 64 और 109, तो 109 में से क्या करेंगे, 64 घटा देंगे, 109 में से क्या क्या 64 घटा दिया, कितना आ गया दोस्तों 45 आ गया। आगे देखिएगा बी में आ जाइए, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों देखिएगा यहां मिस्टेक है थोड़ी सी, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मिस्टेक नहीं है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर क्या करेंगे, 83 में से क्या करेंगे, 36 घटा देंगे, 83 में से 36 घटा दिया, 83 में से 36 घटाए कितना आया दोस्तों, यहां आया मेरे प्यारे साथी 47, लेकिन चाहिए कितना था, 45 चाहिए था, लेकिन 45 नहीं है, 47 है। अच्छा अब आगे देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी में आ जाइए, 87 में से क्या करेंगे, 42 घटाएंगे, 42 घटाएंगे, कितना आया देखिएगा, 45 आया। अच्छा ऑप्शन नंबर डी में आ जाइए, ऑप्शन नंबर डी में देखिए दोस्तों, 147 में से क्या करेंगे, 102 घटा देंगे, कितना बचा, 45। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए में, सी में और डी में, जब जो संख्याओं के युग्म दिए आपस में घटाया है, तो जो शेष है वो 45 आ रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी एक ऐसा अकेला है जिसमें 45 नहीं, 47 आ रहा है घटाने के बाद, तो इस क्वेश्चन में अलग कौन सा हुआ, जो अकेला है
तो बी इसमें अकेला है, बी ऑप्शन इनमें से अलग है, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या देखिए चलेगा, विषम पद ज्ञात कीजिए। दो क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, दो क्वेश्चन आएंगे विषम पद ज्ञात करने वाले, ठीक है, तो फटाफट जवाब देंगे। जो क्वेश्चन क्लास में करवा रहा हूं ना, सेम क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में मिलने वाले, सेम क्वेश्चन, कोई फर्क नहीं मिलेगा दोस्तों, सेम यू के यू क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में मिलेंगे मेरे शेर शेर ने यू के यू, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे देखिए, जबरदस्त है ये, लाजवाब है, कैसे सोल्व करेंगे, जी हां मेरे शेर शेरनियों, इस क्वेश्चन को फटाफट कर देते हैं सोल्व, कैसे देखिएगा चलेगा। देखिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा, जो 15 है दिया है ना, स्टार्टिंग 15, 15 को 3 से गुना किया कितना आ गया, 45 आ गया, 45 दिया है। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा, 9 को 3 से गुना करेंगे कितना आएगा, 27 आएगा, लेकिन दिया कितना है, 29 दिया है, ये तो होगा नहीं, दो दो प्लस कर दिया इसमें, तो चलिए फिर आगे देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी में आएगा, 31 को क्या किया, 3 से गुना कर दिया कितना आ गया, 93। ओके ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा दोस्तों, 41 दिया है, 41 को 3 से गुना किया कितना आ गया, 123 आ गया। तो दोस्तों क्या है देखिए आपको मैं बता दूं, सॉरी माफी चाहता हूं, यहां गुणा होगा, ठीक है, जी हां 123 आ गया। इसमें क्या है दोस्तों आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर ए सी और डी में जो संख्याओं के युग्म दिए हैं, पहली संख्या को 3 से गुणा किया तो दूसरा जो संख्या है युग्म में वो आ गई, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में जब हम गुणा करते हैं पहले संख्या को 3 से तो 27 आ रहा है, लेकिन साथ में दूसरी संख्या क्या दी युग्म में, 29 दी है, ठीक है। क्या है ऑप्शन नंबर ए सी और डी में, जो युग्म है संख्याओं के, पहले संख्या को 3 से गुणा करेंगे दूसरी संख्या आ रही है, और ऑप्शन नंबर बी में जब पहले संख्या को 3 से गुणा करेंगे तो दूसरी संख्या नहीं आ रही है, क्या रहा है, 2 कम आ रहा है, तो इनमें से अलग है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। फटाफट जल्दी से क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर, 7, 6, 6, 8, 6 क्वेश्चन मार्क, 4, 3, 4, 5, 168, 144, 120 बताएगा क्या होगा आंसर। यहां साफ साफ क्लियर क्लियर दिखाई दे रहा है दोस्तों, देखिए जब ऐसे कोई क्वेश्चन आता है ना तो वहां देखेंगे कि सबसे बड़ी जो संख्या है ना वो कहां दी गई है, तो यहां देखिए नीचे की तरफ है, तो सीधी सी बात इसको हम सोल्व करेंगे कॉलम में, तो कॉलम में सोल्व करेगा फटाफट क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। पहली बार क्लास में आइए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन को ऑन करना ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, और याद रखना जैसे दोस्तों हमारी क्लास कंप्लीट होगी इसके तुरंत बाद अगली क्लास शुरू हो जाएगी जीके की, इसके तुरंत बाद अगली क्लास जीके की होगी, लिंक भी आपको मिलेगा, तुरंत क्लास को ज्वाइन कर लेना है, बेहतरीन क्लास होगी। पहली बार क्लास में आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, कैसे, क्लास के नीचे देखिएगा ब्लैक कलर की पट्टी में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, जल्दी से दोस्तों आप लोग वहां पर क्लिक करेंगे, जैसे ही वहां पर क्लिक करेंगे तुरंत दोस्तों एक बेल आइकन दिखाई देगा, बेल आइकन को ऑन करना ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आप रोज क्लास में आइए और तैयारी को दोस्तों मजबूत बनाइए, कभी भी क्लास को मिस नहीं करना है, ठीक है ना। चलेगा देखिए क्वेश्चन क्या है, सोल्व कर लेते हैं कॉलम नंबर एक को। सबसे पहले देखिए क्या क्या दिया है दोस्तों इसमें, कॉलम नंबर में 7, 8 और 3 दिया है, आपस में गुणा करेंगे, 7 × 8 × 3 कितना आएगा, 7 को 8 से गुणा के 56 आ गया, 56 को 3 से गुणा के आ गया 168। यहां देखिए क्या दिया है, 168 दिया है। चलेगा कॉलम नंबर 2 में आ जाइए, क्या है देखिए, 6, 6, 4 इनको आपस में गुणा करेंगे, 6 × 6 × 4 6 को 6 से गुणा के 36, 36 को 4 से किया कितना आया, 144 आया, 144 देखिए यहां दिया है, जी हां दिया है। इसी प्रकार दोस्तों कॉलम नंबर 3 को सोल्व करेंगे, कैसे, तो मेरे शेर शेरनियों देखिए कैसे करेंगे आपको दोस्तों बता देता हूं, बहुत ही ये जबरदस्त क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। तो देखिए 6 को करेंगे दोस्तों 5 से गुणा कितना आ गया, 6 को 5 से गुणा कितना गया, 30 आ गया। अब 30 को किससे गुणा करें, ठीक है, या फिर ऐसे हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी कर लीजिएगा, 6 × 5 और गुणा में x मान लेंगे इसको, और बराबर में रखेंगे हम 120 को, ठीक है। तो 6 को 5 से गुणा के कितना गया, 30 आ गया और x हो गया, तो 30
एक्स हो गया और बराबर में हो गया 120। तो क्या किया, देखिए एक्स बराबर में 120 को क्या करेंगे, 30 से भाग करेंगे, कितना आ गया, 4 आ गया। तो यहां क्या आएगा दोस्तों, 4 आएगा, क्या आएगा, 4 आएगा। तो 4 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहां पर भी दोस्तों आपको बताया था मैंने, जहां जिस जगह बड़ी संख्या दी हो ना उसी तरीके से सोल्व कर लेंगे। देखिए यहां 84 है, 216 है, 900 दिया है ना, क्या करेंगे कॉलम में इसको सोल्व कर लेंगे, फटाफट सोल्व करेंगे कॉलम में, कैसे सोल्व करेंगे, फटाफट जवाब देंगे जल्दी से, क्या आएगा आंसर। क्लास को लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे, शेयर नहीं किया शेयर कर देंगे। क्लास में हर तरह के क्वेश्चन करवाता हूं मैं, आसान भी हार्ड भी। तो आप डेली क्लास में आए और तैयारी को दोस्तों मजबूत बनाएं, कभी भी क्लास को मिस ना करें। यही क्लास है जो आपका बेड़ा पार करवाएगी मेरे लाडलो शेर शेरनियो। बार बार एक ही बात कह रहा हूं, जो क्लास में क्वेश्चन करवा रहा हूं सेम यू के यू क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, कोई फर्क नहीं मिलेगा। इसलिए आपसे मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्लास को कंप्लीट लीजिए, रोज क्लास में आइए, तैयारी को मजबूत बनाइए। बस एक ही बात आपके माइंड में हो, किसी भी कंडीशन में किसी भी हाल में हमारी क्लास मिस ना हो जाए, क्लास छूट ना जाए, बस आपके माइंड में सिर्फ यही रहना चाहिए हर हाल में। क्योंकि दोस्तों एग्जाम निकालना है अब की बार, हर एग्जाम पर कुछ भी हो जाए कामयाब होना है तो होना है दोस्तों, चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना करने पड़े। ठीक है, मैं आपका एग्जाम क्रैक करूंगा, मैं आपको सिलेक्शन दिलवाऊंगा, चिंता मत कीजिए। बस आप डेली क्लास में आइए और प्रैक्टिस कीजिए, बस इतनी प्रैक्टिस करवाऊंगा कि आप चुटकियों में क्वेश्चन सोल्व कर देंगे एग्जाम में, और सेम यू के यू क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, कोई फर्क नहीं मिलेगा दोस्तों, गारंटी से कहता हूं 100%। देखिएगा दोस्तों, दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, 7, 8, 5, 6, 9 क्वेश्चन मार्क, 2, 3, 6, 84, 216, 900 चलेगा। इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं, कैसे सोल्व करेंगे, देखिए नीचे 84, 216, 900 दिया है, हम ऐसा कुछ करेंगे जो नीचे लास्ट में जो संख्या दी है ना नीचे नीचे वो आ जाए। तो कॉलम नंबर एक को देखिएगा क्या करेंगे दोस्तों, 7, 6 और 2 आपस में गुणा करेंगे, 7 × 6 × 2 7, 6, 42 और 42 को 2 से करेंगे आ गया 84। देखिए यहां दिया है ना, जी हां दिया है। अब उसी प्रकार देखिएगा दोस्तों, कॉलम नंबर 2 में आ जाइए, 8, 9, 3 को आपस में गुणा करेंगे, 8 × 9 × 3 8 को 9 से गुणा किया 72, 72 को 3 से गुणा किया आ गया हमारा 216, कितना आ गया 216 आ गया, 216 देखिए यहाँ नीचे दिया है ना, जी हाँ दिया है। इसी प्रकार हम कॉलम नंबर 3 को देखेंगे और जो लुप्त पद इसको हम x मान लेंगे, क्या मान लेंगे x मान लेंगे, कैसे देखिएगा दोस्तों, 5 × x × 6 बराबर में क्या क्या 900 हो गए, माफी चाहता हूँ। तो दोस्तों कितना हो गया ये 30x हो गया, 30x हो गया बराबर में हो गया 900। अब 30x को क्या करेंगे, उस साइड लेकर जाएंगे डिवाइड में, डिवाइड करेंगे ना, डिवाइड करेंगे, देखिए दोस्तों क्या करेंगे, डिवाइड करना है हमें, डिवाइड करेंगे उस साइड, कैसे लेकर जाएंगे डिवाइड करना है। तो मेरे साथियों आपको बताऊं मैं, x बराबर में 900 को क्या करेंगे 30 से डिवाइड कर देंगे, 30 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 30 आएगा। तो यहां पर क्या आएगा दोस्तों आंसर, आंसर क्या हो गया 30 हो गया। 30 इस कहां दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो डी ऑप्शन दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 30, 30 इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलेगा दोस्तों, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन कंफर्म है आपके एग्जाम में। ठीक है, चलेगा, देखिए कैसे सोल्व किया इसको, देखिए यदि 4 − 4 = 12 है, 6 − 6 = 30, 2 − 2 = 2, तो 8 − 8 का मान क्या होगा, जल्दी से समीकरण का आंसर निकाल देंगे, क्या आएगा दोस्तों आंसर बताइएगा। रोज क्लास में आएंगे, तैयारी रियल में दोस्तों आपकी बहुत ज्यादा मजबूत बनेगी, रोज क्लास में आना है आपको, रोज क्लास में आइए तैयारी को दोस्तों मजबूत बनाइए, रोज क्लास में आइए और तैयारी को दोस्तों मजबूत बनाइए। ठीक है, जी हाँ मेरे साथियों, वेरी नाइस। अब की बार हर एग्जाम पर, अब की बार हर एग्जाम पर, तो जल्दी से आंसर देना है, क्या आएगा आंसर देखिएगा, कैसे सोल्व करेंगे, 4 को पहले करेंगे 4 से गुणा और फिर 4 घटा देंगे,
चार माइनस चार दिया ना, इसको क्या करेंगे देखिए, चार को चार से गुणा करके चार घटा देंगे, चार को चार से गुणा कर सोलह में चार घटाए कितना बारह आ गया, देखिए सोलह माइनस चार कितना हुआ दोस्तों बारह, बारह देखिए यहाँ पर दिया है। अब सेकंड समीकरण को देखिएगा, छः माइनस छः है ना, क्या करेंगे एक बार छः को छः से गुणा कर देंगे फिर छः घटा देंगे, छः गुणा छः माइनस छः, छः को छः से गुणा किया कितना है छत्तीस, और छः घटा दिया कितना आया तीस आया, तीस तीस आया जी हाँ आया। अब समीकरण नंबर तीन को लीजिएगा, दो माइनस दो, दो को क्या करेंगे एक बार दो से गुणा करेंगे और फिर दो घटा देंगे, दो दो को दो से गुणा किया चार आया, चार में से क्या किया यहाँ पर दोस्तों दो घटा दिया, दो बचा दो देखिए यहाँ दिया है। तीनों समीकरण समझ में आ गए, इसी प्रकार जो हमारा अनुत्तरित समीकरण इसको सोल्व कर देंगे कैसे देखिएगा, आठ माइनस आठ दिया है, आठ को एक बार आठ से गुणा कर देंगे और फिर आठ घटा देंगे, तो आठ को आठ से गुणा किया कितना आया चौंसठ आया, चौंसठ में से क्या किया आठ घटा दिया कितना बचा 56। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना 56 है, छप्पन किस ऑप्शन में दिया है, छप्पन किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा राइट आंसर, 56 आंसर होगा दोस्तों अनुत्तरित समीकरण का सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, जबरदस्त तैयारी है, लाजवाब तैयारी है, बहुत बढ़िया दोस्तों, वेरी वेरी गुड। चलेगा फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, जबरदस्त क्वेश्चन के साथ क्लास है। देखिए मीना उत्तर की ओर जा रही है, वह तीन बार दाई ओर मुड़ती है और फिर बाई ओर मुड़ जाती है, अब वह किस दिशा की ओर जा रही है। एक क्वेश्चन आएगा इस प्रकार का 100% एक क्वेश्चन इसी प्रकार का आपके एग्जाम में आएगा और सोल्व करना पड़ेगा, अगर कामयाब होना है तो सोल्व करना पड़ेगा हर हाल में, तो फटाफट इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। मीना उत्तर की ओर जा रही है, वह तीन बार दाई ओर मुड़ती है और फिर बाई ओर मुड़ जाती है, अब वह किस दिशा की ओर जा रही है। चलेगा सोल्व कर लेते हैं, यहाँ हम बना देंगे दिशा, ये हमारा सेंटर बिंदु है, ये उत्तर दिशा है दोस्तों, ठीक है, ये दक्षिण दिशा है हमारी, ये पूर्व दिशा है और ये पश्चिम दिशा है, ठीक है। तो अब यहाँ क्या करेंगे, हम सेंटर बिंदु बनाएंगे, यहाँ यहाँ से देखिए चलाएंगे, ये सेंटर बिंदु है और क्या बोल रहे कि मीना उत्तर की ओर जा रही है, मीना जा रही उत्तर की ओर, जी हाँ चलेगी उत्तर की ओर, फिर वह तीन बार दाई ओर मुड़ती है, दाई ओर मतलब राइट साइड में, राइट साइड में तीन बार मुड़ती है, एक बार ठीक है, ये दो बार मुड़ गई, अब क्या बोल रही है, अब क्या बोल रहा है देखिएगा, एक बार दो बार तीन बार बोल रहा है, तीन यहाँ हो गया, तीन हो गया, तीन बार मुड़ जाती है, ठीक है, तीन बार दाई ओर मुड़ जाती है, फिर बाई ओर मुड़ती है, नहीं लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में यहाँ इस साइड में, तो यहाँ आ जाती है, तो अब वह किस दिशा की ओर जा रही है, तो वह जा रही है दक्षिण दिशा की ओर, किस दिशा में जा रही है, दक्षिण की ओर जा रही है, तो आंसर क्या होगा दोस्तों हमारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है जी हाँ, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, दक्षिण की ओर, डी ऑप्शन नंबर डी। चलेगा फिर नेक्स्ट है, संपादक प्रोफेसर पुरुष, इस क्वेश्चन का वेन डायग्राम बना देंगे जल्दी से, दो क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में वेन डायग्राम के, और आपने क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक क्यों नहीं कर रहे यार, अरे लाइक क्यों नहीं करते आप यार, चलेगा फटाफट क्लास को लाइक कर देंगे, जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया जल्दी से एक साथ मिलकर फटाफट क्लास को लाइक कर देंगे सभी साथी, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देंगे, देखिए कितनी मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, एक लाइक शेयर नहीं कर सकते, चलेगा फटाफट लाइक और शेयर करेंगे जल्दी से। और मेरे साथियों याद रखना, शाम को 7 बजे रोजाना रीजनिंग की क्लास रहती है, रात को 9 बजे जीके का डोज होता है, रोज रात 9 बजे जीके का डोज, शाम को 7 बजे रीजनिंग, और सुबह 6 बजे पहली क्लास जीके की रहती है, और शाम को 4:30 बजे याद रखना दोस्तों रीजनिंग की रिवीजन क्लास, और पूरे दिन वैसे क्या है दोस्तों क्लास रहती है, मॉर्निंग में 8:15 बजे भी क्लास रहती है, दोपहर में भी क्लास रहती है, पूरे दिन क्लास लेकर आता हूं, बस दोस्तों पढ़ने वाला चाहिए, अपने मोबाइल को फुल चार्ज रखिए और पढ़े, जो डाटा है कहीं वेस्ट मत कीजिए, सिर्फ पढ़ाई में क्लास में, ठीक है। तो मेरे साथी रोज क्लास में आना है, पहली बार क्लास में आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन को ऑन करना ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, ठीक है जी हाँ मेरे शेयर ने, रोज क्लास में आना है ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए, ठीक है।
चलिएगा अभी इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। सब्सक्राइब कैसे करना, जो स्टेप बता रहा हूँ फॉलो कीजिएगा। क्लास के नीचे देखिएगा ब्लैक कलर की पट्टी में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, जल्दी से वहां पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही वहां पर क्लिक करेंगे ना, तुरंत आपको एक बेल आइकन दिखाई देगा। बेल आइकन को ऑन करना ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। रोज क्लास में आइए, तैयारी को मजबूत बनाइए। चलिएगा क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। क्या बोल रहा है संपादक, प्रोफेसर पुरुष में क्या करना है, वेन डायग्राम, संबंध क्या है इनका। देखिएगा ये हो गया प्रोफेसर, प्रोफेसर क्या है दोस्तों, पुरुष हैं। कुछ पुरुष प्रोफेसरों में, कुछ महिला होती है, कुछ पुरुष होते हैं, ठीक है। और संपादक दोस्तों देखिए, पहली बात संपादक जो होते हैं उनमें कुछ पुरुष भी होते हैं, प्रोफेसर भी तो हो सकते हैं, प्रोफेसर भी तो हो सकते हैं, ठीक ना। याद रखना कुछ संपादक जो है पुरुष भी होते हैं, महिला भी होती हैं, ठीक है। कुछ संपादक प्रोफेसर भी पुरुष भी, कुछ प्रोफेसर संपादक भी पुरुष तो हैं, और जो कुछ पुरुष हैं दोस्तों, पुरुष क्या हैं, कुछ संपादक भी कुछ प्रोफेसर भी हैं। ये डायग्राम कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का होगा दोस्तों हमारा राइट आंसर, ठीक है ना। जी हाँ दोस्तों, प्रोफेसर संपादकों में महिला भी हैं और पुरुष भी हैं, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का होगा राइट आंसर, याद रखिएगा। प्रोफेसर हैं उन्हें महिला भी हैं पुरुष भी हैं, संपादक हैं उन्हें महिला भी हैं पुरुष भी हैं, ठीक है। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, फल सेब संतरे, फटाफट सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, फटाफट जल्दी से बताएगा क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। रोज क्लास में आएंगे दोस्तों, तैयारी आपकी बहुत ज्यादा मजबूत बनेगी। रोज क्लास में आना है, तैयारी को मजबूत बनाना है। कभी भी क्लास को मिस नहीं करना है। रोज क्लास में आइए, तैयारी को दोस्तों मजबूत बनाइए, अब की बार हर एग्जाम पर। तो क्वेश्चन क्या दिया है, फल सेब संतरे। देखिए दोस्तों, ये हो गया सेब, ये संतरा, दोनों ही अलग अलग है, लेकिन दोनों फल है ना, दोनों फल हैं लेकिन अलग अलग हैं। तो ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। सेब व संतरे दोनों अलग अलग फल हैं, अलग अलग फल हैं, ठीक है ना। लेकिन दोनों ही क्या है दोस्तों, फल के अंतर्गत आते हैं ना। सेब संतरे फल के अंतर्गत आते, लेकिन दोनों ही अलग अलग हैं। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, मेज कुर्सी फर्नीचर, जल्दी से इस क्वेश्चन का बनाएंगे वेन डायग्राम। फिर दोस्तों एक बेहतरीन क्वेश्चन आएगा, एक नहीं दो क्वेश्चन आएंगे बेहतरीन, जबरदस्त क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। आप लोग बोलेंगे वाह सर क्या बात है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपने करवाया आज, बहुत बढ़िया। देखिए मेज कुर्सी फर्नीचर, देखिए दोस्तों ये तो हो गई मेज, ये है कुर्सी, दोनों ही क्या है फर्नीचर के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। मेज और कुर्सी फर्नीचर के अंतर्गत आते हैं, तो इस क्वेश्चन का जो डायग्राम बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये तो दोस्तों क्या है, ये हो गई हमारी मेज, और ये क्या है दोस्तों कुर्सी हो गई, याद रखना। और ये क्या है दोस्तों, ये है फर्नीचर, दोनों ही क्या है दोस्तों फर्नीचर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, शेर लोमड़ी मांस बक्सी, जल्दी से आंसर देंगे। शेर लोमड़ी मांस बक्सी, फटाफट जवाब देंगे जल्दी से, क्या है आंसर। शेर लोमड़ी मांस बक्सी, फटाफट जवाब देंगे जल्दी से, क्या है आंसर, क्या आएगा जल्दी से बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर। शेर लोमड़ी मांस बक्सी क्या है, देखिएगा ये तो हो गया शेर, ये है लोमड़ी, दोनों ही क्या है दोस्तों, दोनों ही मांस बक्सी हैं। शेर लोमड़ी दोनों ही मांस बक्सी हैं, लेकिन दोनों ही अलग अलग जानवर हैं, ठीक है। शेर और लोमड़ी दोनों ही क्या है, मांस बक्सी हैं, लेकिन दोनों अलग अलग जानवर हैं। तो ये डायग्राम दे ऑप्शन नंबर सी में, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया, जबरदस्त है। दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, वर्ग काउंट कर दीजिए कितने हैं। यार वाह क्या बात है, बेहतरीन क्वेश्चन आ गया ये, फटाफट दोस्तों आपके एग्जाम में ना, कोई भी एग्जाम हो यार, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप SSGD के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस के एग्जाम की, CSL MTS के एग्जाम की, रेलवे LLP टेक्नीशियन, RPF, ग्रुप डी, NTPC, रेलवे JEE, या किसी या कहीं मतलब फोर्स के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी स्टेट में पुलिस के एग्जाम की, या फिर CET के एग्जाम की, या कोई एंट्रेंस के एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम में एक आकृति आती है, वर्ग काउंट करने या त्रिभुज काउंट करने, सर्कल काउंट करने या आयत काउंट करने, हर तरह के क्वेश्चन दोस्तों मैं रोज करवा रहा हूँ, आप पढ़िए अच्छे से कामयाब हो जाइए। चलेगा अभी इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए दोस्तों आपको बता दूँ कैसे सोल्व करना है। देखिए दोस्तों देखिए, एक वर्ग हो गया ये, दो तीन चार, कितने वर्ग हो गए ये, चार वर्ग हो गए, चार वर्ग हो गए, कितने हो गए, चार वर्ग हो गए। अब और वर्ग इसमें बन रहे, देखिएगा एक वर्ग बन रहा है दोस्तों, ये वाला एक बन रहा है, यहां से ये वाला,
और एक बन रहा है ये वाला, एक बन रहा है ये वाला, चार वर्ग हो गए हमारे, ये चार वर्ग हो गए। अब और काउंट करेंगे इसके अंदर, चार वर्ग हो गए दोस्तों, ये चार हो गए। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों, कैसे बढ़ेंगे देखिएगा। एक वर्ग देखिए ये हो गया, एक ही पूरा बड़ा वाला ये हो गया, और एक पूरा बड़ा वाला ये हो गया, तीन ये हो गए दोस्तों। टोटल कितने हो गए इसके अंदर, ग्यारह हो गए। अब एक और हो गया दोस्तों इसके अंदर, एक कौन सा है वो भी आपको बता देता हूं। एक देखिए आकृति, एक दो तीन और चार को मिलाकर ये है, एक ही हो गया, ठीक है। टोटल दोस्तों कितने आयत हो गए, चार चार आठ और चार बारह। इस आकृति में कुल बारह है, क्या है दोस्तों, वर्ग है। माफी चाहता हूं, वर्ग कितने हैं, कितने वर्ग इस आकृति में, बारह वर्ग हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा राइट आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। लीजिए ये आ गया एक और बेहतरीन क्वेश्चन, ये आ गया एक और बेहतरीन क्वेश्चन, जल्दी से सोल्व कर देंगे फटाफट। वृत्त काउंट करने, अभी था वर्ग का, अब आ गया वृत्त का, फटाफट कीजिए काउंट। पहली बार क्लास में आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन को ऑन करना ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करें, शेयर नहीं किया शेयर कर देंगे फटाफट। तो आप जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे फटाफट, जल्दी से दोस्तों, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन करवा रहा हूं। अगर आप क्लास को लाइक नहीं कर सकते ना दोस्तों, फिर क्या करेंगे यार। उम्मीद तो है कि सभी साथी एक साथ मिलकर क्लास को लाइक कर देंगे। चलेगा आप काउंट कर लेते हैं दोस्तों, देखिएगा एक दोस्तों देखिए यहां ये है, एक ये एक ये एक ये एक ये, कितने हो गए, पांच हो गए, पांच हो गए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, पांच हो गए। देखिए दोस्तों जो ये देखिएगा, एक ये है एक ये है एक ये एक ये, चार ये हो गए, चार हो गए। अब आगे बढ़ेगा देखिए, एक ये यहां बड़ा वाला ये है, एक ये बड़ा वाला एक ये बड़ा वाला एक ये बड़ा वाला, चार ये हो गए, चार हो गए, कितने हो गए टोटल, तेरह हो गए। अब देखिए दोस्तों, एक तो बड़ा वाला हमारा हो गया ये वाला, एक ये वाला हो गया, एक हो गया ये वाला, और एक ये वाला हो गया, चार ये हो गए, कितने हो गए टोटल, सत्रह हो गए। तो इस आकृति में त्रिभुज सॉरी कितने वृत्त हैं, कितने सर्कल हैं, सत्रह। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन बी में दिया है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए कोई ट्रिक नहीं होती दोस्तों, काउंट करने ही पड़ते हैं, माइंड को यूज करना ही पड़ता है। कोई ट्रिक नहीं होती है कि यार दो काउंट कर लिए, उनको चार से गुणा कर दीजिए आ गया, पांच से गुणा कर दीजिए आंसर आ गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये तो काउंट करने ही पड़ेंगे, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का होगा दोस्तों राइट आंसर। इस आकृति में कुल सत्रह वृत्त हैं, सत्रह सर्कल हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, सुमित तथा अमित की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। यदि 20 वर्षों पश्चात सुमित की आयु 62 वर्ष होगी तो अमित की वर्तमान आयु क्या होगी, तो बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों। फटाफट जवाब देंगे जल्दी से, क्या होगा आंसर बताएगा फटाफट। बेहतरीन तैयारी है, जबरदस्त आपकी तैयारी है, लाजवाब तैयारी है, तो फटाफट देंगे आंसर क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, फास्ट हो जाए जितना आप दोस्तों फास्ट हो सकते हो जाइए। देखिएगा दोस्तों, चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्या बोल रहा है कि सुमित, मान लीजिए सुमित, देखिए क्या है, सुमित था अमित की वर्तमान आयु का अनुपात है 3:4। तो हम मान लेते हैं दोस्तों कि सुमित की जो आयु है वो 3x है और अमित की वर्तमान आयु 4x है, ठीक है। 3x होगी दोस्तों किसकी, सुमित की, अमित की होगी 4x, ठीक है। देखिएगा सुमित की आयु हो गई दोस्तों कितनी, मान लीजिए हमने मान लिया कितना 3x, मान ली सुमित की आयु माना 3x और अमित की आयु माना 4x, 4x हमने मान लिया, जी हां मान लिया। अब आगे देखिए दोस्तों कैसे किया है, इसको सोल्व करेंगे बेहतरीन तरीके से, कैसे सोल्व करेंगे देखिए मेरे लाडलो शेर शेर न्यू। देखिए हम क्या करेंगे यहां, अब मेरे दोस्तों 20 वर्षों पश्चात सुमित की आयु 62 वर्ष है, ठीक है 62 वर्ष होगी, तो अमित की वर्तमान आयु क्या है, तो हमें क्या निकालनी, अमित की आयु निकालनी है। तो हम उससे पहले क्या करेंगे, सुमित की आयु निकालेंगे, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों हम क्या करेंगे, माना जो सुमित की आयु 3x है, क्या करेंगे 3x, 20 वर्षों बाद दोस्तों क्या बोल रहा है कि 20 वर्षों बाद सुमित की आयु 62 वर्ष है, 3x और प्लस में क्या किया हमने वर्ष 20 और बराबर में क्या किया 62 वर्ष होगी। आगे बढ़ेगा देखिए क्या किया, x बराबर में क्या कर दिया दोस्तों, देखिएगा
मेरे दोस्तों, मेरे शेयर शेयरनियो, 62 में से क्या क्या पहले 20 को घटा दिया, 62 में से 20 घटा दिया, ठीक है, फिर क्या बचा, 42 बचा, 42 में से 42 को क्या कर दिया, 3 से भाग कर दिया। दोस्तों जो 20 प्लस का है ना, ये उस साइड जाएगा तो 62 में से घट जाएगा, ये 42 बचा, 42 को 3 से भाग किया, कितना आ गया, 14। तो दोस्तों 14 आ गया। अब दोस्तों क्या बोल रहा है कि अमित की जो वर्तमान आयु है ना वो कितनी है, 4x है। लेकिन दोस्तों क्या करेंगे, x का मान तो हमने निकाल दिया, 4x है तो 4 × 14। तो दोस्तों अमित की वर्तमान आयु 56 वर्ष है। कितनी है, 56 वर्ष है वर्तमान में अमित की आयु, ठीक है। दोस्तों याद रखिएगा किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, अमित की वर्तमान आयु वर्षों में निकाल देना। ये बोल रहा है कि यदि 20 वर्षों पश्चात सुमित की आयु 62 वर्ष होगी ना, तो अमित की वर्तमान जो आयु है वो 56 वर्ष, अमित की आयु कितनी, 56 वर्ष, ठीक है। तो याद रखिएगा कितनी है दोस्तों, 56 वर्ष। अगर 62 वर्ष अगर होगी 20 वर्षों पश्चात किसकी आयु, सुमित की आयु, तो अमित की आयु होगी दोस्तों, याद रखिएगा, 56 वर्ष, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का होगा राइट आंसर, ठीक है। तो अगर अमित की वर्तमान आयु दोस्तों 56 वर्ष है, ठीक है, अमित की आयु देखिए 4x माना था, 4x है, तो सुमित की वर्तमान आयु की अगर हम बात करें तो क्या करेंगे, 14 को 3 से गुणा कर देंगे, कितनी हुई, 42। वर्तमान में दोस्तों जो सुमित की जो आयु है ना, वर्तमान में सुमित की जो आयु है, सुमित की वर्तमान आयु है 42 वर्ष, और जो अमित की आयु है वर्तमान में वो है 56 वर्ष, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, ये रेशियो दिया था 3:4, और 62 वर्ष होगी 20 वर्षों के पश्चात सुमित की, तो वर्तमान में अमित की जो वर्तमान आयु है वो है दोस्तों 56 वर्ष अमित की, और वर्तमान में सुमित की जो आयु है वो 42 वर्ष है, ठीक है। तो सुमित की, अमित की पूछे तो अमित की होगी 56 वर्ष, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। दोनों निकाल दे, सुमित की भी और अमित की भी, तो ए ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया। चलेगा फिर अगला क्वेश्चन देखिए, दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, 4, 8, 12, 16 क्वेश्चन मार्क 24। तो फटाफट श्रृंखला को पूरा कर देंगे जल्दी से, कैसे करेंगे बताएगा फटाफट, बहुत बढ़िया दोस्तों, वेरी नाइस। जल्दी से आंसर देना है, क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। जी हाँ दोस्तों, क्लास को लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे, शेयर नहीं किया दोस्तों शेयर कर देंगे। तो फटाफट जल्दी से आंसर देंगे, एक बार फटाफट सोल्व कर देते इस क्वेश्चन को। देखिएगा दोस्तों कैसे किया है, देखिए मेरे दोस्तों, 4 में जोड़ दिया 4, 8 आ गया, 8 में यहाँ जोड़ दिया 4, 12 आ गया, 12 में जोड़ दिया 4, 16 आ गया। 4-4 जोड़ रहे हैं ना, 4-4 जोड़ रही हैं, तो 16 में क्या जोड़ेंगे, 4 जोड़ देंगे, कितना आ गया, 20। तो 20 में 4 जोड़ेंगे आएगा 24। तो यहाँ डिफरेंस 4-4 का डिफरेंस आ रहा है, तो आंसर क्या हो गया हमारा, 20। किस ऑप्शन में दिया है 20, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो सी ऑप्शन होगा दोस्तों हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया दोस्तों, वेरी वेरी नाइस, बहुत अच्छी तैयारी है, बहुत जबरदस्त आपकी तैयारी है, वेरी वेरी नाइस। चलेगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या दिया, देखिए दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, फटाफट दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, 225, 289 क्वेश्चन मार्क 441। तो फटाफट क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे दोस्तों, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये और आसान क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बार एग्जाम में भी आता है, एग्जाम में आता है बहुत बार, ये जबरदस्त है ये क्वेश्चन, तो बताइएगा फटाफट दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों आपको बता दूं, 225 क्या है, 225 15 का वर्ग है, किसका वर्ग, 15 का, 289 17 का वर्ग है, 441 का 21 का वर्ग है। 15 की बात, 15 में 2 जोड़े 17 आ गया, 15 में 2 जोड़े 17, 17 में 2 जोड़ेंगे आएगा 19, और 19 में 2 जोड़ेंगे तो आएगा 21। तो 19 का वर्ग कितना होता है, 19 का वर्ग होता है 361। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 361, 361, 19 का वर्ग जो है ना दोस्तों ये इस श्रृंखला को पूरा करेगा, ठीक है दोस्तों। ये जो ऑप्शन नंबर ए में दिया 361, 361 हमारा आंसर होगा इस श्रृंखला में। दोस्तों आपको बता दूं, इस श्रृंखला में ना क्रमशः 15, 17, 19 और 21 के वर्ग की जो संख्या है ना उसी क्रम में आगे बढ़ा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का हो जाएगा दोस्तों हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे सभी मेरे शेयर शेयर ने।
बहुत ही जबरदस्त आपकी तैयारी है, लाजवाब आपकी तैयारी है। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड। चलेगा फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्या दिया है दोस्तों ये देखना है। जबरदस्त क्वेश्चन देखिएगा, दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। श्रृंखला का क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन श्रृंखला के आते हैं एग्जाम में। देखिए क्या दिया, 4, 7, 11, 18, 29, 47 क्वेश्चन मार्क, 123, 199। थोड़ी सी दोस्तों क्या सीरीज थोड़ी सी बड़ी है ना, श्रृंखला बड़ी है, कोई बात नहीं है, सोल्व कीजिएगा फटाफट। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा, चिंता मत कीजिए, फटाफट सोल्व कर देंगे इस क्वेश्चन को। क्या आएगा आंसर, तैयारी जबरदस्त है आपकी, लाजवाब है, फटाफट देंगे आंसर क्या होगा। वेरी नाइस दोस्तों, चलेगा सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या दिया है, कैसे सोल्व करेंगे, देखिए 4 के बाद देखिए 7 दिया है। देखिए दोस्तों 4 के बाद 7, फिर 11, देखिए 4 में क्या करेंगे, 7 जोड़ दिया, 11 आ गया 11, ठीक है ना। अब क्या करेंगे दोस्तों, 7 में 11 जोड़ देंगे, आ गया 18। श्रृंखला को ऐसे करें जोड़ जोड़ के, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 18 में क्या करेंगे, 29 जोड़ देंगे, कितना आ गया, 47 आ गया। अब दोस्तों 29 में क्या करेंगे, 47 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों, 29 में हमने 47 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा दोस्तों, 76 आएगा, 76 आएगा, कितना आएगा, 76 आएगा, तो 76 आएगा, तो यहाँ आएगा 76। इसी प्रकार दोस्तों 76 में हम क्या जोड़ेंगे, जो 47 है ये जोड़ेंगे, ठीक है। देखिए 47 में हम जोड़ देंगे 76, कितना आ गया, 123। 76 में क्या जोड़ा, 123, कितना आ गया दोस्तों, 199। देखिएगा 11 यहाँ दिया, 18 यहाँ, ठीक है, सॉरी यार मिस्टेक थोड़ी मैंने कर दी, कोई बात नहीं, माफी चाहता हूँ, ठीक है। बाकी देखिए 11 और 18 को जोड़ेंगे ना तो आएगा 29, ये छोड़ दिया मैंने, इसके लिए माफी चाहता हूँ। 11 18 को जोड़ेंगे आएगा 29, बीच में छूट गया ना, बीच में, तो यहाँ जोड़ देंगे 11 प्लस में 18 हो गया 29। 29 यहाँ दिया है, अब देखिए 47 देखिए यहाँ है, अब 29 और 47 का जो जोड़ यहां आ गया। इस श्रृंखला में क्या किया दोस्तों, दीर्घ श्रृंखला में प्रत्येक अगली संख्या में पिछली संख्या जोड़ी जा रही है। इस श्रृंखला में क्या किया दोस्तों, प्रत्येक अगली संख्या में पिछली संख्या को जोड़ा जा रहा है, तो आंसर क्या हो गया हमारा, 76 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 76। प्रत्येक अगली संख्या में पिछली संख्या को जोड़ा जा रहा है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, दीर्घ श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। दीर्घ श्रृंखला में अगला पद ज्ञात करना है, 71, 62, 53, 44, 25 क्वेश्चन मार्क, तो फटाफट इस श्रृंखला को पूरा करेंगे सभी। क्या आएगा दोस्तों आंसर, जबरदस्त क्वेश्चन है ये, बेहतरीन क्वेश्चन है, जी हाँ फटाफट सोल्व करेंगे, श्रृंखला को पूरा कर देंगे। रोजाना क्लास में ये तैयारी को मजबूत बनाइए। देखिएगा दोस्तों घटते क्रम में श्रृंखला को दिया गया है, घटते क्रम में 71 में क्या घटा दिया, 9 घटा दिया, 62 आ गया, 62 में दोस्तों क्या घटा दिया, 9 घटा 53 आ गया, 53 में 9 घटा दिया आ गया 44, 44 में क्या किया, 9 घटा दिया आ गया 35 में से 9 घटा दिया आ गया 26, 26 में से हम 9 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 17 आएगा, तो 17 इस क्वेश्चन का आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, सी ऑप्शन होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, वेरी नाइस, जबरदस्त जबरदस्त, लाजवाब, बहुत बढ़िया। चलेगा फिर अगला क्वेश्चन देखते क्या आते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर देंगे फटाफट। क्लास को लाइक नहीं किया है सभी मेरे प्यारे साथी, फटाफट क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे सभी। रोज क्लास में ये तैयारी को मजबूत बनाइए। इस क्लास के तुरंत 2 मिनट बाद दोस्तों हमारी अगली क्लास स्टार्ट होगी, तुरंत लिंक आपको मैं इस क्लास में दूंगा लास्ट में, अगली क्लास को ज्वाइन करना, बेहतरीन क्लास शुरू होने वाली इस क्लास के तुरंत बाद। नोटिफिकेशन नहीं आएगा, बिना नोटिफिकेशन ही ज्वाइन करना है, ठीक है, बेहतरीन टॉप लेवल के क्वेश्चंस के साथ। तो क्या क्वेश्चन दिया है देखिएगा, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए, ए सी एफ के क्वेश्चन मार्क। इस सीरीज को पूरा करेंगे, जो डिफरेंस आएगा दोस्तों वो आएगा अभाज्य संख्याओं में। ए के बाद दोस्तों याद रखना दूसरा अक्षर सी, सी के बाद सी के बाद तीसरा अक्षर होता है एफ, एफ के बाद दोस्तों पांचवा अक्षर K
के होता है। तो अभाज्य संख्याओं में वृद्धि हो रही है ना, तो के बाद आएगा सातवां अक्षर, क्योंकि पांच के बाद जो अभाज्य संख्या सात होती है, तो के बाद सातवां अक्षर होता है आर। आर इस क्वेश्चन का आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। सी ऑप्शन दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। जिस प्रकार 49 का संबंध 343 से है, तो 64 का संबंध किससे होगा दोस्तों, बताइएगा फटाफट, जल्दी से सोल्व करेंगे, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, तो फटाफट जवाब दीजिएगा क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 49 का संबंध जिस प्रकार 343 से है, तो 64 का संबंध किससे होगा। देखिए 49 क्या है, सात का वर्ग है दोस्तों, सात का वर्ग है। 343 क्या है, सात का घन है, सात का घन, सात का घन, सात का घन कितना होता है, सात का जो घन है क्यूब है मेरे साथियों, सात का घन होता है 343। 64 क्या है, 64 आठ का वर्ग है, 64 क्या है आठ का वर्ग है, तो आगे क्या आएगा आठ का घन आएगा। जिस प्रकार दोस्तों देखिए 49 सात का वर्ग है और 343 सात का घन है, तो उसी प्रकार 64 आठ का वर्ग है, तो इसका संबंध किससे होगा, आठ के घन का। आठ का घन क्या होता है, 512 होता है, तो 512 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। डी ऑप्शन दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब की बार हर एग्जाम पर अगला क्वेश्चन देखते चलेगा क्या दिया है। देखिए दोस्तों बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। जिस प्रकार चंद्रमा का संबंध चंद्रयान से, तो मंगल का संबंध किससे होगा, बताएगा फटाफट क्या होगा आंसर। क्लास को लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे, शेयर नहीं किया शेयर कर देंगे जल्दी से। देखिए दोस्तों आपको बता दूं इस क्वेश्चन में, जिस प्रकार भारत ने जो चंद्रमा पर यान भेजा था उसका नाम क्या रखा था, चंद्रयान। तो ठीक है, तो मंगल ग्रह पर जो दोस्तों यान भेजा था उसका नाम क्या है, मंगलयान। क्या नाम है, मंगलयान। जी हां दोस्तों, चंद्रमा पर भेजे गए यान का नाम चंद्रयान और मंगल पर भेजे गए यान का नाम मंगलयान, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ज्यादा जबरदस्त आपकी तैयारी है, लाजवाब आपकी तैयारी है। बहुत बहुत बढ़िया दोस्तों, वेरी वेरी गुड, जबरदस्त लाजवाब। चलेगा फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। देखिए जबरदस्त है, जिस प्रकार फ्रेंच का संबंध फ्रांस से है, डच का संबंध किससे होगा दोस्तों। जिस प्रकार फ्रेंच फ्रांस की भाषा है, जिस प्रकार फ्रेंच फ्रांस की भाषा है, तो डच किस देश की भाषा है, बताएगा जल्दी से डच किस देश की भाषा है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, जल्दी से बताएगा मेरे शेयर ने क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिएगा जिस प्रकार फ्रेंच दोस्तों फ्रांस देश की भाषा है, तो डच मेरे प्यारे दोस्तों हॉलैंड देश की क्या है, मेरे दोस्तों याद रखना हॉलैंड देश की भाषा है डच। डच हॉलैंड देश की भाषा है, फ्रेंच फ्रांस देश की भाषा है, तो उसी प्रकार डच हॉलैंड देश की भाषा है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, जर्मनी मार्क मोरक्को, जिस प्रकार जर्मनी का संबंध मार्क से है, तो मोरक्को का संबंध किससे होगा, बताएगा फटाफट जवाब देंगे सभी साथी क्या होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। बेहतरीन तैयारी है आपकी, जबरदस्त तैयारी है, तो जल्दी से दीजिएगा आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइएगा फटाफट क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। वेरी वेरी गुड दोस्तों, बहुत बहुत बढ़िया, तो जल्दी से आंसर देना है क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, रोज क्लास में आना है, तैयारी को दोस्तों मजबूत बनाना है, तो रोज क्लास में आइए और तैयारी को मजबूत बनाइए। कभी भी दोस्तों क्लास को मिस नहीं करना है, कभी भी क्लास को मिस नहीं करना है, तो रोज क्लास में आइए और तैयारी को मजबूत बनाइए। देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों, जिस प्रकार जर्मनी देश की मुद्रा का नाम मार्क है, तो मोरक्को देश की मुद्रा का नाम क्या है, दिरहम नाम है।
इस क्वेश्चन में दोस्तों क्या है, देश और मुद्रा का जोड़ा है। इस क्वेश्चन में देश और मुद्रा का जोड़ा है। तो मेरे साथियों, जिस प्रकार जर्मनी की मुद्रा का नाम मार्क है, तो मोरक्को देश की मुद्रा का नाम दिरहम है। यह जीके का क्वेश्चन बनता है। जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या है, मार्क है। मोरक्को की मुद्रा का नाम दिरहम। तो सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा। जिस प्रकार लोकसभा के प्रधान को अध्यक्ष कहा जाता है, उसी प्रकार राज्यसभा के प्रधान को क्या कहा जाता है, जल्दी से बताइएगा दोस्तों, क्या कहा जाता है। बहुत बढ़िया दोस्तों, वेरी नाइस वेरी नाइस। जल्दी से आंसर देंगे इस क्वेश्चन का, क्या होगा दोस्तों आंसर। पहली बार क्लास में आए हैं, जल्दी से सभी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन को ऑन करना, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। जी हाँ दोस्तों, रोज क्लास में आइए और तैयारी को मजबूत बनाइए, अब की बार हर एग्जाम पार। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये जबरदस्त है। लोकसभा के प्रधान को अध्यक्ष कहते, तो राज्यसभा के, राज्यसभा का जो दोस्तों का लोकसभा का प्रधान होता है अध्यक्ष, माफी चाहता हूं, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का जो प्रधान होता है अध्यक्ष होता है, तो राज्यसभा का प्रधान कौन होता है, राज्यसभा का प्रधान उपराष्ट्रपति होता है दोस्तों। उपराष्ट्रपति होता है, याद रखना, क्या होता है, उपराष्ट्रपति। कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है ना, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, उपराष्ट्रपति। याद रखिएगा, वर्तमान में भारत देश के उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़ है दोस्तों। लोकसभा अध्यक्ष कौन है, प्लीज मुझे बताइएगा, लोकसभा अध्यक्ष कौन है, लोकसभा अध्यक्ष। देखिए आपको बता दूं, जिस प्रकार लोकसभा के प्रधान को, इन लोकसभा का जो प्रधान है वो अध्यक्ष होता है, उसी प्रकार राज्यसभा का प्रधान होता है उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, कमेंट करके मुझे बताएगा वर्तमान में भारत के लोकसभा अध्यक्ष कौन है, प्लीज दोस्तों बताएगा, सभी से रिक्वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए, दी गई श्रृंखला में अगला पद। बहुत बहुत ही कम क्वेश्चन क्लास में बचे हैं, बहुत ही कम क्वेश्चन, बताएगा फटाफट, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। 9 के बाद 11, फिर 15, 21 क्वेश्चन मार्क। तो फटाफट जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, क्या होगा दोस्तों आंसर बताइएगा, फटाफट जवाब देना है, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए दोस्तों, सीरीज को पूरा करेंगे। देखिए दोस्तों क्या किया है, 9 में जोड़ दिया 2, 11 आ गया, 11 में जोड़ दिया 4, 15 आ गया, 15 में जोड़ दिया 6, 21 आ गया। दो दो बढ़ रहे, तो आगे देखिए, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, तो दोस्तों उसी प्रकार क्या करेंगे, 2 में जोड़ेंगे, सॉरी 21 में जोड़ेंगे 8, 21 में क्या जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे, तो आएगा 29, क्या आएगा, 29, आंसर क्या होगा, 29। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, दीर्घ श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए, दीर्घ श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। बेहतरीन दोस्तों, ये क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। इस क्लास के तुरंत बाद हमारी अगली क्लास होगी, और अगली क्लास बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास है आपके लिए और आपके एग्जाम के लिए, उस क्लास को ज्वाइन करना तुरंत दोस्तों, ठीक है ना। जी हाँ, देखिए दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। देखिए 1, 0, 5, 8, 17, 24 क्वेश्चन मार्क। क्या किया है दोस्तों, इसमें डबल सीरीज का क्वेश्चन है, ये क्या है, डबल सीरीज का दोस्तों क्वेश्चन है। कैसे सोल्व किया देखिएगा दोस्तों, 1, 0, 5, 8, 17, 24 क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन को डबल सीरीज का क्वेश्चन बना दिया है, किसका, डबल सीरीज का क्वेश्चन बना दिया है। कैसे मेरे शेयर न्यू चलेगा क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, देखिए क्या किया है, 1 के बाद है 5, तो क्या किया, 1 में क्या जोड़ दिया, 1 को 4 से गुणा करके, 1 को 4 से गुणा करके जोड़ दिया। अब देखिएगा 5 के बाद क्या, 17, डबल सीरीज का क्वेश्चन बनाया है, तो देखिए पहले 1 से गुणा की, फिर दोस्तों क्या जोड़ेंगे, 3 की, 3 को 4 से गुणा करके, 3 को 4 से गुणा किया कितना, 12 आया, 5 में जोड़ दिया, 12 कितना आ गया, 17 आ गया। उसी प्रकार देखिए 17 में क्या जोड़ेंगे, देखिए यहां 1, यहां 3 है, तो यहां आएगा दोस्तों क्या, यहां आ जाएगा 5, 5 को 4 से गुणा करके जोड़ देंगे, तो 5 को 4 से गुणा किया आ गया 20, तो 27 में जोड़ेंगे 20 कितना आएगा, 37 आएगा, 37 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में। सेम इसी प्रकार दोस्तों जो सेकंड इसमें सीरीज बन रही है, उसमें भी ऐसे ही किया गया है। क्या किया देखिएगा, क्या जोड़ा इसमें, पहले 2 को 4 से गुणा करके जोड़ दिया, 2 को 4 से गुणा करके जोड़ दिया, ठीक है,
दो को चार से गुणा किया, आठ के बाद चौबीस जो दिया है ना, यहां क्या किया, दो सौ पहले दो दो गुना चार किया, फिर यहां कर दिया चार को चार से गुणा, क्या जोड़ दिया, चार को चार से गुणा करके जोड़ दिया, ठीक है, सोलह जोड़ दिया आठ में, चौबीस आ गया। तो सेम इसी प्रकार से सीरीज को आगे बढ़ाया जा रहा है। उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। 37 इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलेगा एक और क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है। दो प्लस दो, छह प्लस तीन, बारह प्लस चार, बीस प्लस पांच, तीस प्लस छह। चलेगा बताएगा फटाफट क्या आएगा आंसर, अब आगे जल्दी से बताएगा दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से बताना है दोस्तों, फटाफट जवाब देंगे सभी, क्या आएगा आंसर जल्दी से, वहां मेरे लाडलो शेर शेर ने फटाफट देंगे आंसर, पहली बार क्लास में आए ना, जल्दी से सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन को ऑन करना ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। कैसे करना है, क्लास के नीचे देखिए आप ब्लैक कलर की पट्टी में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, जल्दी से आप वहां पर क्लिक करेंगे, जैसे वहां पर क्लिक करेंगे ना बेल आइकन दिखाई देगा, बेल आइकन को ऑन करना ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। जी हाँ मेरे लाडलो मेरे शेर शेर ने, तैयारी आपकी बहुत ज्यादा जबरदस्त है, लाजवाब है, जी हाँ बहुत बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड। चलिएगा क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। देखिएगा दोस्तों जो सीरीज दी है ना इसको क्या करेंगे, देखिए दो प्लस दो कितना होता है, चार होता है, छह प्लस तीन कितना होता है, नौ होता है, बारह प्लस चार कितना होता है, सोलह होता है, बीस प्लस पांच कितना होता है, पच्चीस होता है, और तीस प्लस छह कितना होता है, छत्तीस होता है। अब तो सोल्व कर देंगे इसको, अरे अब तो सोल्व कर देंगे, चार क्या है, दो का वर्ग है, नौ क्या है, सॉरी चार दो का वर्ग, नौ क्या है तीन का वर्ग, सोलह चार का वर्ग, पच्चीस पांच का वर्ग, छत्तीस छह का वर्ग, पहले दो का वर्ग, फिर तीन का, फिर चार का, फिर पांच का, फिर छह का, तो अब क्या आएगा, सात का वर्ग। सात का वर्ग कितना होता है, 49 होता है, 49। देखिए चार ऑप्शन दिए हैं, कौन सा जोड़ा सही बैठ रहा है इसमें दोस्तों, 49 का बैठ रहा है, 42 प्लस में सात, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना ऑप्शन नंबर सी। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें सभी संख्याओं का जो जोड़ है ना, इस सीरीज में संख्याओं का जोड़ दोस्तों दो तीन चार पांच छह सात के सात का वर्ग है, क्रमश है सीरीज में आगे, ठीक है, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का होगा राइट आंसर। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। सॉरी दोस्तों, बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड। चलिएगा फिर अगला क्वेश्चन देखते क्या दिया, जबरदस्त देखिएगा। दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए दोस्तों, दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए फटाफट, क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर, दी गई आकृति में लुप्त संख्या। देखिए एक के बाद तीन, चार पांच, छह सात, एक दो, तीन दस, तीन एक, यहां के यहां पर जो लुप्त पद है यहां क्या आएगा, लुप्त संख्या में क्या आएगा दोस्तों, बताएगा फटाफट क्या आएगा लुप्त संख्या में, जल्दी से आंसर देना है दोस्तों फटाफट। देखिएगा सबसे पहले आकृति नंबर एक को देखेंगे, क्या किया देखिए, देखिए एक तीन चार पांच दिया है ना, इनको आपस में गुणा करेंगे, देखिए एक गुणा, देखिए एक गुणा तीन गुणा चार गुणा पांच, कितना आ गया दोस्तों, इनका जोड़ आ रहा है साठ, साठ आ रहा है, साठ देखिए अंदर दिया है ना, जी हां दिया है। अब आकृति नंबर दो को देखिएगा, देखिए छह सात एक दो को गुणा करेंगे, छह गुणा सात गुणा एक गुणा दो, गुणा कीजिएगा, छह को सात से क्या बयालीस, और दो कितना चौरासी आ गया, चौरासी चौरासी देखिए अंदर दिया है ना, इनका एक चौरासी आ गया, चौरासी हो गया। इसी प्रकार हम देखिए तीसरी आकृति में करेंगे, तीन गुणा दस गुणा तीन गुणा एक, जो गुणा कीजिएगा, तीन को दस से गुणा किया तीस, तीस को तीन से किया नब्बे, नब्बे इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या होगा हमारा आंसर होगा, नब्बे किस ऑप्शन में दिया है, नब्बे दिया है ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलेगा फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलेगा नेक्स्ट, देखिए दोस्तों क्या क्वेश्चन है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए, नील नदी, तो एटलस क्या है, नील एक नदी है तो एटलस क्या है, जल्दी से बताएगा दोस्तों, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा जल्दी से आंसर देंगे इस क्वेश्चन का। जिस प्रकार दोस्तों नील एक नदी है तो एटलस क्या है, एटलस दोस्तों पर्वत है, एटलस क्या है, एटलस पर्वत है, एटलस का है पर्वत। जिस प्रकार नील एक नदी है, जिस प्रकार दोस्तों नील एक नदी है तो एटलस क्या है,
एक पर्वत है। तो पर्वत दिया है ऑप्शन नंबर सी में, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जिस प्रकार नील एक नदी है, उसी प्रकार एटलस एक पर्वत है। अगला क्वेश्चन क्या देखिए, सरसों बीज। जिस प्रकार सरसों बीज है, तो फूलगोभी क्या है बताएगा जल्दी से, स्पीड से, बहुत ही कम क्वेश्चन बचे, स्पीड से क्वेश्चन करवा रहा हूं और सभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार दोस्तों मेरे दोस्तों सरसों बीज है ना, सरसों बीज है, तो याद रखना फूल गोभी क्या है, फूल गोभी सब्जी है, फूल गोभी क्या है, एक सब्जी है, सब्जी ऑप्शन नंबर सी, सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जिस प्रकार सरसों एक बीज है, तो फूल गोभी एक सब्जी है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कुर्सी बैठना पलंग, जल्दी से आंसर देंगे इस क्वेश्चन का फटाफट, क्या होगा बताएगा जल्दी से आंसर देंगे सभी फटाफट। कुर्सी बैठना पलंग, कुर्सी पर, कुर्सी का दोस्तों जो प्रयोग है ना बैठने के लिए किया जाता है, तो पलंग का प्रयोग किस लिए किया जाता है। जिस प्रकार कुर्सी का प्रयोग बैठने के लिए होता है, तो पलंग का प्रयोग होता है सोने के लिए, किसके लिए, सोने के लिए। सोना कहां दिया है, ऑप्शन सी में दिया है, तो सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन है, खाली रिक्त बघा ले जाना। जिस प्रकार खाली का संबंध रिक्त से है ना, उसी प्रकार भगा ले जाना का संबंध किससे होगा, जल्दी से बताएगा दोस्तों क्या होगा आंसर। बहुत बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, पहली बार क्लास में आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन को ऑन करना, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। जी हाँ दोस्तों, क्लास के नीचे देखिएगा ब्लैक कलर की पट्टी में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, जल्दी से आप वहां पर क्लिक करेंगे। जैसे आप वहां पर क्लिक करेंगे, तुरंत आपको एक दोस्तों बेल आइकन दिखाई देगा, बेल आइकन को ऑन करना, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। बहुत बहुत बढ़िया, अभी एक और क्लास भी शुरू होने वाली इस क्लास के तुरंत बाद, ठीक है ना, इस क्लास के तुरंत बाद दोस्तों हमारी अगली क्लास स्टार्ट होगी जीके की। लिंक आपको मैं कमेंट बॉक्स में दूंगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारी अगली क्लास को ज्वाइन कर लेंगे। बहुत ज्यादा बेहतरीन है आपके एग्जाम के लिए और आपके लिए, ठीक है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रामबाण क्लास। तो देखिएगा, खाली का जो समानार्थी शब्द है दोस्तों वो रिक्त है, खाली शब्द का समानार्थी रिक्त होता है, उसी प्रकार भगा ले जाना का समानार्थी होता है अपहरण। क्या होता है, अपहरण होता है दोस्तों भगा ले जाना का समानार्थी। तो अपहरण किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है अपहरण, तो डी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है देखिएगा, पैसा बैंक शिक्षा। जिस प्रकार पैसों का संबंध बैंक से है, उसी प्रकार शिक्षा का संबंध किससे होगा बताएगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, जवाब देंगे सभी साथी। रोज क्लास में आइए, तैयारी को मजबूत बनाइए, रोज क्लास में आएंगे तैयारी आपकी मजबूत बनेगी, आप कामयाब हो जाएंगे दोस्तों। अब की बार हर एग्जाम पर टाइम टेबल सुनेगा, रोजाना शाम को 4:30 बजे रीजनिंग की रिवीजन क्लास होती है, रोजाना शाम को 4:30 बजे आप दोस्तों रोज क्लास में आइए, तैयारी को मजबूत बनाइए, ठीक है। शाम को 7 बजे रीजनिंग की रेगुलर क्लास, रात को 9 बजे जीके का डोज, ठीक है। सुबह 6 बजे हमारी पहली क्लास जीके की ब्रह्मास्त्र क्लास, परमानेंट टाइम इनका फिक्स टाइम है। मॉर्निंग में 8:15 बजे एक और बेहतरीन क्लास, दिन में और भी क्लास रहती है रिवीजन के लिए, रोज क्लास में ये तैयारी को मजबूत बनाइए। पहली बार आइए, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन को ऑन करना, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। दोस्तों जिस प्रकार पैसा कहां होता है, पैसा मेरे दोस्तों देखिए माफी से, तो पैसा कहां से प्राप्त किया जाता है, पैसा बैंक से प्राप्त किया जाता है, तो उसी प्रकार शिक्षा विद्यालय से प्राप्त की जाती है, कहां से प्राप्त की जाती है, विद्यालय से प्राप्त की जाती है शिक्षा। जिस प्रकार पैसा बैंक से प्राप्त किया जाता है, तो शिक्षा विद्यालय से प्राप्त की जाती है। उम्मीद है यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में भिन्न ज्ञात कीजिए, दिए गए विकल्पों में भिन्न ज्ञात कीजिए, लहसुन अदरक प्याज सरसों, जल्दी से फटाफट इनमें से भिन्न ज्ञात करेंगे, लहसुन अदरक प्याज सरसों, जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों आपको बता दूं मैं, लहसुन, ठीक है ना, लहसुन अदरक और प्याज दोस्तों ये है ना, याद रखना
जमीन में उगाई जाती हैं, जमीन के अंदर, जमीन के अंदर उगाई जाती हैं, जमीन के अंदर उगाई जाती हैं, ठीक है। और सरसों क्या है दोस्तों? सरसों इनसे अलग है, ये जमीन के ऊपर होता है। ये कहां? जमीन के ऊपर उगाई जाती है, जमीन के ऊपर, ठीक है, याद रखना। जिस दोस्तों लहसुन अदरक प्याज जमीन के अंदर उगाई जाती है, सरसों जमीन के ऊपर उगाई जाती है। तो डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इनमें से दोस्तों असंगत अलग कौन सा, भिन्न कौन सा? सरसों अलग है इनमें से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। दिए गए विकल्पों में भिन्न ज्ञात कीजिए। घाना, बर्लिन, मिस्र, क्यूबा। जल्दी से आंसर देंगे सही फटाफट, क्या होगा आंसर, जल्दी से जवाब देंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत बहुत बढ़िया दोस्तों, देखिएगा इसमें क्या दिया है। घाना जो है ना, घाना ये क्या है दोस्तों? घाना एक देश है। मिस्र क्या है? मिस्र एक देश है। क्यूबा क्या? क्यूबा, क्यूबा क्या है? ये भी एक देश है। लेकिन बर्लिन क्या है दोस्तों? बर्लिन है जर्मनी देश की राजधानी, जर्मनी देश की राजधानी है कौन? बर्लिन। बर्लिन है जर्मनी की राजधानी, ये आप याद रखिएगा। इनमें से दोस्तों असंगत कौन सा हुआ? बर्लिन। घाना, मिस्र, क्यूबा देश हैं और बर्लिन राजधानी जर्मनी की। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का होगा राइट आंसर, ठीक है। बर्लिन दोस्तों राजधानी है, बाकी राजधानियां नहीं है। घाना, मिस्र, क्यूबा ये राजधानी नहीं है दोस्तों। क्या नहीं है? राजधानियां नहीं है। बहुत बार दोस्तों एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, बहुत बार, ठीक है ना। अगर हम दोस्तों यहां पर, अगर हम यहां पर दोस्तों बात कर लें कि घाना जो देश है, घाना देश की राजधानी, देखिए बर्लिन तो होगी मिस्र की राजधानी, बर्लिन तो होगी मिस्र की राजधानी, ठीक है। तो घाना की राजधानी कहां है? घाना की राजधानी अकरा में है। घाना की राजधानी एक्सटाइम बता रहा हूं आपको, ठीक है। घाना की राजधानी अकरा में है, ठीक है। मिस्र देश की राजधानी कहां बताएगा दोस्तों? मिस्र देश की राजधानी बताएगा फटाफट, मिस्र देश की राजधानी फटाफट, जल्दी से क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर, फटाफट जवाब दें कमेंट बॉक्स में जल्दी से। मिस्र देश की राजधानी दोस्तों, फटाफट। बहुत बढ़िया यार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर देंगे सभी। मिस्र देश की, मिस्र देश की राजधानी मेरे प्यारे शेर शेरनियों कहां है? कायरो में। कायरो में है मिस्र की राजधानी, मिस्र की राजधानी कहां है? कायरो में। कायरो में मिस्र देश की राजधानी है। क्यूबा की राजधानी कहां है? क्यूबा की राजधानी कहां है दोस्तों? क्यूबा की राजधानी कहां है मेरे शेर से? क्यूबा की जो राजधानी हवाना में है, ये आपको एक्स्ट्रा में मैंने बता दिया, एक्स्ट्रा में, ठीक है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर। घाना, मिस्र, क्यूबा ये देश है, बर्लिन राजधानी जर्मनी की। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। दिए गए विकल्पों में भिन्न ज्ञात कीजिए। दिए गए विकल्पों में भिन्न ज्ञात कीजिए, बस बहुत कम क्वेश्चन है। दिए गए विकल्पों में भिन्न ज्ञात, मगरमच्छ, शेर, बाघ, लोमड़ी। दोस्तों देखिएगा आपको बता दूं, शेर, बाघ, लोमड़ी तीनों ही कहां रहते हैं? तीनों ही रहते हैं कहां? भूमि पर रहते हैं, भूमि पर रहते हैं तीनों। मगरमच्छ कहां रहता है? मगरमच्छ रहता है पानी में, मगरमच्छ पानी में रहता है। शेर, बाघ, लोमड़ी भूमि पर रहते हैं। तो इनमें से असंगत कौन सा है, भिन्न कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, मगरमच्छ इनमें से अलग है। चलेगा नेक्स्ट, इसी प्रकार का बेहतरीन है। देखिए दिए गए विकल्पों में भिन्न ज्ञात कीजिए। दिए गए विकल्पों में भिन्न ज्ञात कीजिए। स्तुरमुर्ग, कौवा, गरुड़, उल्लू। स्तुरमुर्ग, कौवा, गरुड़, उल्लू। जी हाँ दोस्तों, आपको बताऊं, आपको बता देता हूं, कौवा, गरुड़ और उल्लू ये तीनों ही क्या है? तीनों ही दोस्तों उड़ सकते हैं, तीनों ही उड़ सकते हैं। लेकिन शुतुरमुर्ग उड़ नहीं सकता, शुतुरमुर्ग दोस्तों उड़ नहीं सकता, उड़ नहीं सकता, ठीक है, उड़ नहीं सकता। और कौवा, गरुड़ और उल्लू उड़ सकते हैं, उड़ सकते हैं, ठीक है। तो मेरे साथियों ऑप्शन नंबर ए इनमें से अलग है, ऑप्शन नंबर शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट देखिए इसी प्रकार का, दिए गए विकल्पों में भिन्न ज्ञात कीजिए। जिस क्लास के भी तुरंत बाद एक और क्लास शुरू होने वाली है, क्लास में दोस्तों कमेंट बॉक्स में एक नीले रंग का लिंक आएगा, उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। देखिए दिए गए विकल्पों में भिन्न ज्ञात कीजिए, ऊपर, नीचे, बड़ा, आगे। देखिए दोस्तों ऊपर जाएंगे, नीचे आएंगे, आगे बढ़ेंगे तो पीछे आएंगे। लेकिन बड़ा का मतलब यहां क्या है? आगे, नीचे, सॉरी आगे, पीछे, ऊपर, नीचे। यहां बड़ा अलग है, या इनमें से बड़ा जो है ना ये अलग है दोस्तों, ये बड़ा इनमें से अलग है, ठीक है, याद रखना। बड़ा क्या है दोस्तों? इनमें से अलग है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों यहां पर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ऊपर, नीचे, आगे, ये सेम है, जैसे ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे, आगे बढ़ेंगे तो पीछे आएंगे। लेकिन बड़ा, बड़ा का क्या होगा? छोटा होगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये यहां अलग है, तो सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखिएगा। दिए गए विकल्पों में भिन्न ज्ञात कीजिए दोस्तों। दिए गए विकल्पों में भिन्न ज्ञात कीजिए फटाफट, जल्दी से।
जल्दी से बताएगा। देखिए दोस्तों, इटली की राजधानी है रोम, मिस्र की राजधानी कैरो कैरो में है, ठीक है, यानी कायरो में है, और ग्रीस देश की राजधानी एथेंस में है। तो ये इराक की दोस्तों, ये देखिए मुद्रा दिया है, इराक की मुद्रा है दिनार, इराक की मुद्रा का नाम दिनार है। इराक की दोस्तों राजधानी का नाम क्या है? देखिए इटली की राजधानी रोम हो गई, मिस्र की कायरो, ग्रीस की एथेंस हो गई। तो इराक देश की राजधानी बगदाद में है दोस्तों, कहाँ है? इराक देश की जो राजधानी है बगदाद में है, लेकिन दिनार मुद्रा है इराक की। तो ए इनमें से अलग है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में भिन्न ज्ञात कीजिए। गंगा नदी, कलम लिखना, स्तुर्मुरु पक्षी, मिर्च मसाला। स्पीड से करवा रहा हूं, फटाफट जवाब देंगे। देखिए गंगा दोस्तों एक नदी है, गंगा एक नदी है, सही है। स्तुर्मुरु एक पक्षी है, यह भी सही है। मिर्च क्या है? मिर्च दोस्तों मसाला है। मिर्च क्या है? मसालों की श्रेणी में आता है, गंगा नदियों की श्रेणी में, स्तुर्मुरु पक्षियों की श्रेणी में। इनमें से अलग क्या है दोस्तों? कलम, कलम इनमें से अलग है। कलम दोस्तों ये स्टेशनरी का आइटम है, लिखना नहीं आएगा यहां। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का होगा राइट आंसर। चलेगा नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में भिन्न ज्ञात कीजिए। सूर्य, पृथ्वी, बृहस्पति, बुध। जल्दी से आंसर देंगे फटाफट। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। पृथ्वी, बृहस्पति क्या है? ये तीनों ग्रह है, ठीक, ग्रह। सूर्य एक तारा है, पृथ्वी, बृहस्पति, बुध क्या है दोस्तों? ये ग्रह है, याद रखिएगा। तो इनमें से अलग क्या है? सूर्य जो कि एक तारा है, बाकी तीनों क्या है? ग्रह है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का होगा राइट आंसर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर पहली बार क्लास में आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन को ऑन करना ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, ठीक है।